मैसेज आने से बताना सर। हाँ हाँ सर, ओके ठीक है सर, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज मैं आप लोगों के साथ कॉन्स्टिट्यूशन जनरल लॉ का क्लास है, आप लोगों को पता है जनरल लॉ जुरिसप्रूडेंस फॉर एग्जीक्यूटिव एंड एंट्रेंस के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का एरिया है वही मैं आपसे आज बात करूंगा। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में हम लोग सर जो एरिया में बात कर रहे थे दुर्गा पूजा से पहले, हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्ट किए थे, काफी डिटेल्स चर्चा हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, याद है आप लोगों को? अरे याद है थोड़ा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास? ओके, तो बस उसी को चर्चा को कंटिन्यू करूंगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और भी काफी डिटेल्स कुछ है तो एक बार वो सब चीज आप लोगों से बात कर लेता हूँ फटाफट। हाँ, तो ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना, तो चलो देरी नहीं करना है और आपको बताता रहता हूँ कि क्या क्या है, बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, सेक्शन वाइज। ठीक है, चलो सर। देखो तो सर एक बार स्क्रीन शेयर है कि नहीं। है क्या ना दादा? हाँ नहीं सर, नहीं सर हुआ नहीं। कितना समय लगाएगा आज? कंप्यूटर बहुत मतलब जरूरत से बहुत ज्यादा स्लो है, मतलब मैं काम कर ही नहीं पा रहा हूँ। अभी देखो ना। यस सर। ओके ठीक है, देखो तो देखो ना, ये देखो मैं अप डाउन करूंगा ना, ये देखो आपको समझ में आएगा कितना हिल के जा रहा है, तो हिल के ना तो जैसा। अच्छा देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आज मैं आप लोगों को सेकेंड लेक्चर बताऊंगा, तो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अच्छा एक चीज तो आप लोगों को मानना ही पड़ेगा सर, ये जो आज के डेट में जो हम लोग देश के बारे में बात करते हैं कि देश क्या है, देश का रूल्स क्या है, देश का रेगुलेशन क्या है, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना सर? जो भी है सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। ऐसे कहा जाता है कि न्यू जो मतलब कंट्री का जो न्यू रिलीजियन स्ट्रक्चर है, मतलब हम लोग अपना अपना सभी धर्म के हिसाब से चलते हैं, बट मतलब देश चलाने का जो धर्म है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। ये देश का एक कानून है, देश का धर्म है, आप ऐसे बोल सकते हो, धर्म है ये। ठीक है, तो देश चलने के लिए देश ने कुछ नियम बनाया और उस नियम को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, और आप लोगों को पता ही है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने किस तरह से इसको बनाने के पीछे बहुत मेहनत किया था। अब देखो हर चीज का थोड़ा सा खराबी थोड़ा सा अच्छाई सब कुछ मिला जुला के होता है, बट उन्होंने कोशिश किया कि मैक्स टू मैक्स लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से देश का मैक्स टू मैक्स मतलब सभी लोगों को बेनिफिट मिले, यही इनका मतलब बी आर अम्बेडकर जी का सबसे बड़ा टारगेट था। अब इसको लेके कंट्रोवर्सी थोड़ा बहुत चलता रहता है कि ये सही नहीं था वो नहीं सही था, समय के साथ कुछ अमेंडमेंट भी हुआ है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि इतना बड़ा देश को चलाने के लिए, ये जो इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा देश को चलाने के लिए एक एक प्रॉपर सिस्टम होना बहुत जरूरी ऑब्वियसली है ना, बहुत जरूरी है। और वो जो कॉन्सेप्ट है एक मॉडर्न कंट्री बनाने के लिए, एक मॉडर्न मतलब मॉडर्न सोच, मॉडर्न फैसिलिटीज, हाँ फैसिलिटीज मतलब क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर? नहीं सर, इंफ्रास्ट्रक्चर तो अलग बात हो गया, यहाँ पर पॉइंट इज दैट कि एक ऐसा मॉडर्न सोच वाला कंट्री जो सोच एक कंट्री को बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा। ब्रिटिश के कॉलोनी से हम लोग निकलने के बाद इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर ये रहा कि देश को कैसे एक लेवल में पहुंचाना है, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा मतलब बात करता है। तो इसमें आप लोगों को मैं लास्ट वीक लास्ट क्लास में बताया था प्रीएम्बल में कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना सर, याद करो फिर से एक बार। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, हम लोग भारतवासी एकदम प्रण लेते हैं टाइप का कि भाई कॉन्स्टिट्यूट करेंगे इंडिया को, ठीक है, सोवेरियन स्टेट में, ठीक है, एकदम आजाद कंट्री, सोशलिस्ट, समाज समाज का भी ख्याल करेंगे, मतलब सोशलिस्ट मतलब गवर्नमेंट कंट्रोलिंग भी रहेगा, ठीक है, समाजवादी, सेक्युलर, ठीक है, मतलब जात पात धर्म सभी के लिए समान जगह, मतलब कोई
भेदभाव नहीं रहेगा, सब अपना अपना जो भी धर्म है प्रैक्टिस करेगा, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू ईच एंड एवरीबडी, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब आप लोग तो जानते ही हो, हाँ सर, मतलब गणतांत्रिक, मतलब गणतांत्रिक मतलब जो देश का जो जनता जनार्दन है ये डिसाइड करेगा कि कैसे देश को चलाना है, ये सभी का डिटेल्स डिस्कशन में लास्ट वीक किया था आप लोगों से। रिपब्लिक, प्रजातांत्रिक, ठीक है, डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक में थोड़ा सा अंतर है, थीन लाइन है जो मैं लास्ट वीक चर्चा किया था, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, जो भी हमारे देश में नागरिक है, जो भी भारत की भारतवासी है, सबको सिक्योरिटी देना, सिक्योरिटी मतलब सबका सुरक्षा देखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा काम है। हाँ सर, यही है ना बात, क्या रे, इन सिंपल यही है कि नहीं, अरे कनेक्टेड हो ना, जैसे जस्टिस, अरे देखो ये देखो क्या चल रहा है, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, मतलब जस्टिस सभी के लिए, किस तरह का जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस फॉर ऑल, लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, अभी मैं बात करूंगा इसमें, ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट, इसकी थोड़ा डिटेल चर्चा भी होगा, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब आपको बोलने की आजादी है, आपको सोचने की आजादी है, आपको बिलीव करने की आजादी है, आप अपना बिलीव रख सकते हो अपने पास, ठीक है, इसमें आपको कोई रोकेगा नहीं, ठीक है, फेथ, आप फेथ भी किसी चीज पे आप ज्यादा फेथ रखते हो आप कर सकते हो, कोई नहीं मना करता आपको, किसी भी चीज में कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी चीज में कोई रोक टोक नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है सर, क्यों जबरदस्ती होगा, सवाल उठता है ना सर, ऐसा नहीं है, दुनिया में ऐसा बहुत सारा कंट्री है जहां पर आप अपने मर्जी से नहीं रह सकते, दुनिया में ऐसा बहुत सारा कंट्री है, मतलब मैं आपको गिना के खत्म नहीं कर सकता, मतलब आप अपने मर्जी से जी नहीं सकते, मतलब इतना प्रॉब्लम है, और इंडिया जैसा कंट्री में प्रॉब्लम तो और है, बिकॉज यहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं ना बंगाली में, हिंदी में एक कहावत है, सरसों के अंदर भूत, समझते हो, मतलब देश के अंदर गद्दार भी बहुत होते हैं, और 135 करोड़ के भीड़ में कहाँ से गद्दार आके घुस गया, हाँ ये बहुत मुश्किल है, तो ये लिबर्टी ऑफ थॉट का, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन का, और लिबर्टी ऑफ बिलीफ का, एंड लिबर्टी ऑफ फेथ का, गलत फहमी भी बहुत लोग, मतलब गलत इस्तेमाल भी लोग करते हैं, तो आज मैं आपसे कुछ ऐसे फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट में बात करूंगा कि ये लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ ओरशिप, इसमें लिमिटेशन कितना है, कुछ लिमिटेशन है क्या, या फिर कोई पर्टिकुलर रीजन है कि जब आपको लिमिटेशन के अंदर लाया जाता है, ठीक है, तो उसमें चर्चा होगा सर, डोंट वरी, अभी आते हैं। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, सबको एक इक्वल स्टेटस मिलेगा, सबको, चाहे वो कितना भी करोड़पति हो, कितना भी हाई लेवल जॉब करे, ठीक है, मतलब फ्रॉम, मतलब एंटीला से लेके, क्या बोलते हैं सर वो मुंबई का बस्ती का नाम क्या है, एंटीला तो अंबानी का घर का नाम है, मुंबई का झोपड़पट्टी का नाम बताओ ना, जो बहुत फेमस है, मतलब बहुत बड़ा झोपड़पट्टी है वर्ल्ड का, धारावी है ना सर, धारावी, धारावी वर्ल्ड लार्जेस्ट मतलब स्लम एरिया में से एक है, ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब एंटीला में रहने वाले से लेके झोपड़पट्टी में रहने वाले तक, ठीक है, अपने कोलकाता में भी है सर सेकेंड लार्जेस्ट, नाम बता सकते हो, इंडिया, मतलब इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट झोपड़पट्टी, मतलब बस्ती एरिया, स्लम एरिया, कोलकाता में क्या नाम है, कौन बोलेगा, जो बेसिकली धारावी के बाद उसका नाम आता है, एनी आइडिया सर, सर हावड़ा से जब ट्रेन निकलता है ना एक जगह आता है, उसका टाउनशिप एरिया भी है बट वहां पर बस्ती एरिया भी है, टिकियापाड़ा, नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है, हावड़ा से जब भी ट्रेन छोड़ता है टिकियापाड़ा आता है, वो टिकियापाड़ा एरिया बहुत बड़ा स्लम एरिया है सर, टिकियापाड़ा एंड उसका कनेक्टेड जोड़ के है सर पीलखाना बोल के एरिया है, ठीक है, पीलखाना थोड़ा साइड में है, ठीक है, पीलखाना टिकियापाड़ा ये दोनों एरिया अभी भी स्लम, मतलब इंडिया का जो बड़ा स्लम में से मतलब दोनों स्लम आता है, मतलब वो अगर मैं आपको मुंबई वाला जो बताया उसको मैं थोड़ा सा साइड कर दूँ तो, ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रोमोट अमंग देम ऑल, ये कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं। फ्रैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, सर कोई किसी भी हालत में रहे सबका अपना डिग्निटी होगा, मतलब झोपड़पट्टी में रहने वाले या फिर कोई बड़े बिल्डिंग में रहने वाले, सबका डिग्निटी का ध्यान रखा जाएगा। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, कुछ भी हो जाए देश एक होना चाहिए,
देश का इंटीग्रिटी नहीं टूटना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे मेन पॉइंट है सर, देश का जो इंटीग्रिटी है वो नहीं टूटेगा। अगर टूटेगा, अगर किसी भी टाइम पे ये दिखा जाता है कि भाई देश का यूनिटी टूट रहा है, देश का इंटीग्रिटी टूट रहा है, तो फिर वही लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, इस सब में रोक टोक आ जाएगा। इन आवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर, ये तो आप लोगों में लास्ट क्लास में ही बताया था, फिर से एक बार रिकॉल कराया, ठीक है। मतलब ये प्रीएम्बल पढ़ के आपको कॉन्स्टिट्यूशन का एक बार पूरा गोथ्रू हो जाता है, कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन बात का पूरा गोथ्रू हो जाता है। तो असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर को 1949 में हियरबाय अडॉप्ट, एनएक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। 26 नवंबर 1949 में एक कॉन्स्टिट्यूशन देशवासी के लिए ओपन कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद देश चलने का जो पैटर्न है, जो सिस्टम है, इसी पैटर्न में डाल दिया गया। इसमें काफी चर्चा लास्ट क्लास में किए थे, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को और मतलब एक्स्ट्रा और भी काफी चीजें हैं जो एक बार फटाफट आपसे मेन पॉइंट पे बात कर लेता हूँ। जैसे लास्ट वीक आप लोगों ने किया था ना, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फंडामेंटल राइट है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, राइट कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, याद है क्या सर? अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको ये याद रखना पड़ेगा सर। राइट टू फ्रीडम के बारे में आर्टिकल 19 से लेके 22 के अंदर बोला गया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में 23 एंड 24 में बोला गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन के बारे में आर्टिकल 25 टू 28 में बोला गया, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में 29 एंड 30 में बोला गया, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में आर्टिकल 32 में बोला गया, ठीक है। तो ये सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको एकदम क्लियर कट बताते हैं सर कि ये हमारे देश का करेंट सिस्टम है। जरूरत पड़ने से चेंज भी किया जाता है, उसमें एक्ट पास होता है, लॉ पास होता है, ठीक है। उसमें स्टेट का क्या काम है, ठीक है, यूनियन का क्या काम है, ये सब चर्चा मैंने किया था। तो आज कुछ न्यू एरिया डिस्कस करूंगा आप लोगों से। फंडामेंटल राइट्स में मैंने डिस्कशन एकदम डिटेल्स में किया था, ये वाला बात भी, राइट टू इक्वालिटी, आई होप याद होगा, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। ये राइट टू इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब समान। पूरा भारत में ऐसा कोई नहीं होगा, ठीक है, फ्रॉम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और मतलब एकदम नागालैंड मणिपुर से लेके मुंबई तक, ठीक है, मणिपुर से लेके मुंबई तक, मतलब ऐसा कोई जगह नहीं, मतलब ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसको इक्वालिटी, मतलब सेम इक्वालिटी में ट्रीटमेंट ना मिले, ठीक है। ये वाला बात याद रखिएगा सर। कंप्यूटर बहुत स्लो काम कर रहा है, इसलिए मैं जल्दी में कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं क्या क्या अपडेट आता है और पूरा बेकार कर देता है। तो राइट टू इक्वालिटी में इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब समान, ठीक है। एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल्स मतलब वो कुछ स्पेशल स्टेटस मिलने वाला कुछ लोग होते हैं समाज में। जमींदार के टाइम पे ब्रिटिश लोग दिया करता था, ब्रिटिश लोग, राय चौधरी, ऐसा ना, ऐसे टाइटल होता है ना सर, हाँ, राय चौधरी, जमींदार टाइटल ही होता है, तो ये स्पेशल स्टेटस वाला, ठीक है। तो ये जो भी स्पेशल टाइटल जो है, मतलब किसी को सो कॉल्ड अपर लेवल दिखाना, ठीक है, करेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबको एक नजर में देखना चाहता है, इसलिए किसी के पास भी कोई स्पेशल टाइटल नहीं रहेगा। अगर टाइटल कोई यूज करता भी है तो उसका कोई एक स्पेशल वैल्यू नहीं होगा। आपको बात समझ में आ रहा है सर? हेलो, अगर कोई टाइटल अभी भी बाई चांस यूज करता भी है तो उसका कोई स्पेशल वैल्यू नहीं होगा। मतलब वो पहले जमाने में उनको स्पेशल स्टेटस मिलता था, वो ऐसा वाला अभी कुछ नहीं होगा, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, आप किसी को भी रिलीजियस ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, छोटा नहीं समझ सकते किसी को, किसी के साथ कोई मजाक नहीं कर सकते, रेस, जाति, कास्ट, ठीक है, कास्टिज्म जो प्रॉब्लम है, बड़ा जात, छोटा जात, ये सब एक्चुअली पहले का, मतलब कोई धर्म किसी को कास्ट पैटर्न में बांधा नहीं है। एक्चुअली ये समाज का कुछ बुराई है, कुछ टेरर लोग है, कुछ लोग होते हैं, जानते हो ना, कुछ सोच होते हैं जो टेरर फैलाना जानते हैं। जैसे अगर मैं आपको हमारे देश का जो हिंदू धर्म में जो लोग सो कॉल्ड हिंदू धर्म का जो कुछ लोग हैं, मतलब जो अपने आप को बोला कि मैं ही धर्म को चलाते हैं, मतलब जो जिसको हम लोग ऐसे बोल सकते थे, मतलब सो कॉल्ड ब्राह्मीण लोग, ठीक है, मतलब जो अपने आप को ब्राह्मीण बोला, ठीक है, एक्चुअली वो लोग ब्राह्मीण का बेटा हो सकता था, बट एक्चुअल ब्राह्मीण, दे आर नॉट एक्चुअल ब्राह्मीण। जिन लोगों ने क्या किया,
ये लोग पूरा कास्ट पैटर्न को ना जबरदस्ती बनाया, मतलब वो लोग बोला कि कास्ट सिस्टम है, एक्चुअली कास्ट सिस्टम कुछ नहीं था, सिस्टम जो था सब कोई अपने अपने हुनर के हिसाब से काम करता है, ठीक है, और जो जो काम करता है उसके हिसाब से उसका उसको वो नाम से बुलाया जाता है। अगर कोई मोची का काम करता है तो वो मोची है, अगर कोई मतलब जमींदार है तो फिर वो जमींदार है, ये पैटर्न था। और फिर अपने कर्म के अनुसार आप अपग्रेडेशन और जो भी है आप कर सकते हो, लेकिन इसको कुछ लोगों ने एक जबरदस्ती लोगों के अंदर बोल दिया कि भाई तुम वैसा हो तो तुमको वैसा ही करना पड़ेगा। अब ये लोगों को डरा के धमका के, ये कभी बीच में 200-300 साल किसी ने राज किया तभी तो फॉरेन अटैक इतना क्यों हुआ? जब अपने अंदर यूनिटी नष्ट होता है तो फॉरेन अटैक होता है। हाँ या ना, क्या सर बात कुछ समझ में आ रहा है? जब हम लोग अपने अंदर यूनिटी को रख नहीं पाते तभी तो फॉरेन अटैक होता है ना, नहीं तो फॉरेन कैसे आएगा? ये जो बाहरी शत्रु भारत को इतना बार जो अटैक किया है इसके पीछे मेन रीजन क्या है? जब हम लोग अपने अंदर यूनिटी नहीं रख पाते, अपने ही अंदर जाति पाति करते रहते हैं तो क्या होगा? आएगा ना बाहर वाले? क्या लगता है आप लोगों को, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नो सर, है ना। तो ये अपने अंदर जो जात पात क्रिटिसिज्म जो मतलब क्रिएट किया किसी ने, कुछ लोग है ऐसे सोसाइटी में जो लोग अपने आप को सो कॉल्ड मतलब क्या बताऊं, मतलब उनको लगता है कि वही सब कुछ है, वही जानने वाला, वही मानने वाला, हाँ, और वो सबको सिखाता रहता है कि भाई हम सब मतलब वो सबको एक्चुअली अपने फायदे के लिए यूज किया है। मतलब मैं तो ऐसा बोलूंगा कि मतलब सो कॉल्ड ब्राह्मीन लोगों को मैं इसके लिए बहुत मतलब सो कॉल्ड ब्राह्मीन, ओरिजिनल ब्राह्मीन नहीं, जो ओरिजिनल ब्राह्मीन है, ब्राह्मीन का मतलब होता है जिसका ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान मतलब जो दुनिया का ज्ञान रखता है, समाज को शिक्षा देता है, ठीक है, दुनिया समाज को लूटता नहीं है, लोगों को डराते नहीं है, ठीक है, क्रिटिसिज्म नहीं करते, जात पात नहीं करते, ठीक है, सभी भगवान का मतलब माना जाता है ना हमारे देश में कि सब इक्वल है, रिलीजियस टेक्स्ट में भी वैसा ही बोला है, तो इसी को कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी तरह से वो बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन भी रिलीजियस टेक्स्ट से ही मेन बातें को उठाया और मेन जो पॉइंट है उसको उठाया कि भाई सब समान, ठीक है, तो आप किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म किसी के साथ किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। फिर भी चलो इंडिया अपने आप को बहुत सालों से बहुत पुराना कंट्री है, बट अभी भी बहुत सारा कंट्री है जहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलो सर, डोमिनेशन है, जैसे आप मिडिल ईस्ट के कंट्री में डोमिनेशन बहुत है सर, चाहे कितना भी पैसा बना ले ये लोग, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आप अपने मर्जी में नहीं रह सकते, उनके हिसाब से रहना पड़ता है, आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है, वैसा वाला बात नहीं है, इंडिया में बहुत फ्री है, लोग बहुत फ्री है, थोड़ा बहुत पाबंदी लगाना पड़ता है तब जब यूनिटी में प्रॉब्लम आता है, जब देश का आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट होता है तब जाके सरकार के तरफ से कोई कुछ बताता है कि भाई ये ना करो वो ना करो। चाइना में जाओ ना पता चलेगा, चाइना में जाके देखो तो एक बार किसी के मतलब कुछ बात करके देखो समझ में आएगा कि क्यों ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना प्योर माना जाता है, इतना सुंदर माना जाता है, क्योंकि आप जब बड़े बड़े कंट्री का बात करो, मैं आपको मिडिल ईस्ट बोला, मैं आपको चाइना का नाम बोला, आप जाके देखो, रहो कुछ दिन, समझ में आएगा ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, फ्रीडम ऑफ कास्ट, ठीक है, ये अफ्रीकन नेशंस में जाओ, मर रहा है लोग, अफ्रीकन नेशंस में लोग मर रहा है पागल की तरह। ये जिम्बाब्वे का हालत जानते हो आप लोग? जिम्बाब्वे जैसे कंट्री, जिम्बाब्वे यहाँ पर और आसपास में और भी है, जिम्बाब्वे तो मतलब जस्ट ये लोग तो सादा और काला लेके मर गया, सादा काला समझते हो सर, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में लड़ाई, बोर्नो बोइशोमो होता है, हाँ, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं बोर्नो बोइशोमो, हाँ, मतलब जो काला लोग है वो नीचा है, जो व्हाइट है वो सुपीरियर है, इसको लेके सब मतलब सोसाइटी का जो अपर लेवल में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर व्हाइट लोग बैठेगा, मतलब पहले एक्चुअली व्हाइट ने लूटा तो आप ब्लैक लोग चिल्ला रहे हैं, हाँ, बिकॉज ब्लैक लोग थोड़ा सा मतलब वो लोग थोड़ा ट्रेडिशनल्स होते हैं जो ब्लैक लोग है, बिकॉज ब्लैक्स आर ओरिजिनल इन अफ्रीका और व्हाइट जो है वो बेसिकली यूरोप वगैरह से इनके यहाँ पर डोमिनेशन के लिए आया था और फिर सदियों से रह गया, ठीक है, 200-400 साल से रह गया, अब उनका डोमिनेशन ब्लैक में एक आदत सा हो गया था और ब्लैक लोग भी पहले उनको अच्छा माना था, फिर बाद में वही लोग जब लूटने लगा, अब ब्लैक को नॉलेज आ गया, अब ब्लैक बोल रहे नहीं हम तुमको हर चीज में नहीं रहने देंगे, तो ये प्रॉब्लम है, इवन नॉट जस्ट जिम्बाब्वे, ये साउथ अफ्रीका भी तो वही यही रीजन है, नेल्सन मंडेला का कहानी आप लोग सुने होंगे ना, क्या रे नेल्सन मंडेला का कहानी सुने कि नहीं, है ना, सबको पता है नेल्सन मंडेला ने क्या लड़ाई लड़ा था, ठीक है, और साउथ अफ्रीका को यूनाइट करने में बहुत बहुत मेहनत किया था, इवन ये भी ब्रिटिश का कॉलोनी हुआ करता था, ठीक है, और नेल्सन मंडेला तो सर 27 इयर्स उनको काला पानी हुआ था,
काला पानी मतलब एक आइलैंड में जेल में डाल दिया था। ये सब कहानी आप लोग जानते भी हो। नेल्सन मंडेला के साथ भारत का रिलेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, और साउथ अफ्रीका के साथ ऐसे भारत का बहुत अच्छा रिलेशन। तो कहने का मतलब ये है कि एक परफेक्ट कंट्री बिल्डअप करना इतना आसान नहीं होता, और वो भी वैसा वाला कंट्री जहाँ पर लोग मतलब बेसिकली अटैक करने के लिए बार बार आए हैं, मतलब हमारा जो पीसनेस है, ठीक है, जैसे अगर मैं अफ्रीका के बारे में बात करूँ, यहाँ पर भी लोग लूटने के लिए बहुत गया है। अगर आप ये सब कंट्री को दाओ ना, जैसे साउथ अमेरिका में ये सब एरिया तो पूरा एकदम यूरोपियन का मतलब पूरा क्या बोलूँ सर, मतलब ऐसे यूरोपी बस गया है यहाँ पर, इनका अपना लैंग्वेज खत्म, सब फ्रेंच में बात करता है, लैटिन में बात करता है, ठीक है, बट क्या ये लोग एक्चुअली वैसा है? नहीं, इनका जो इंडिजिनस कल्चर है नष्ट हो गया बिकॉज ऑफ स्पेशली यूरोपियंस का मेनली बहुत ज़्यादा इतना अटैक किया। अब ये अच्छा बात नहीं है, क्या दूसरे के कंट्री में जाके अटैक है, जाओ ना भाई मिलजुल के रहो, बिजनेस करो, विस्तार करो, कौन मना करता है, लेकिन दूसरे के चीज़ों पर इतना नज़र क्यों मारना है? हाँ, दूसरे के चीज़ को लूटना है, दूसरे के हर चीज़ में, ये चोरी है, इट्स नॉट गुड। आप अपने जगह में जो आपका है उसको लेके रहो ना, नहीं दूसरे के पास जाके जबरदस्ती सबका चीज लूटना, और यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसी से ये सब प्रॉब्लम आ जाता है, ये कास्ट क्रिटिसिज्म, रिलीजियस क्रिटिसिज्म, मतलब सब अपने अपने जगह में अपना अपना रूल लगाओ ना। लैंड ऑफ लॉ हर जगह का है, कुरान मतलब बहुत पुराने पुराने, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ सर? आप कभी सोचना दो मिनट, हर जगह का अपना अपना रूल्स है, लैंड ऑफ लॉ या फिर लॉ ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड, हर जगह का अपना है। लेकिन किसी को अपना लॉ भुला देगा और दूसरा लोग बोलेगा भाई मेरा रूल लगेगा, ऐसा थोड़ी चलता है। हाँ, अब हर जगह हर देश में जाके अलग अलग रूल्स लगाओगे तो प्रॉब्लम तो बढ़ेगा ना। हाँ, कोई अगर प्यार से अपनाए वो अलग बात, प्यार से अपनाना अलग बात होता है, लेकिन ये मारपीट, दंगा, झमेला, ये अच्छा बात नहीं। जो भी हो, मेनली कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए इतना सारा डिटेल्स में बात करता है आपसे, ठीक है, इसीलिए मैं भी थोड़े डिटेल्स में बात कर रहा हूँ। आप लोग सर सब समझदार हो, ठीक है, मतलब मानता हूँ कि ये थोड़ा सा मतलब क्या बोलूँ सर, ऐसे इंडिया थोड़ा ऐसे ही सेंसिटिव कंट्री है, सेंसिटिव इश्यूज हो जाता है, बट आप लोग सेंसिटिविटी के साथ देखना, बट आप लोग फैक्ट को चेक करना, सिचुएशन को देखना, तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्यों है और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इसको इस तरह से लिखता है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए है। सेक्स क्रिटिसिज्म भी कम नहीं है हमारे देश में। हाँ सर, सेक्स क्रिटिसिज्म, मेल फीमेल में क्रिटिसिज्म, लड़की हो ये नहीं करना है, लड़की हो वो नहीं करना है। हाँ सर, क्या रे, हम लोगों का जो सोसाइटी हम लोग बिल्ड किए अभी तक, इसमें डोमिनेशन किसका है, मेल का या फीमेल का? करेंटली मैक्सिमम एक्सेप्ट सम स्टेट्स, कुछ स्टेट को छोड़ के, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दो, नॉर्थ ईस्ट में लड़की लोगों का जयजयकार होता है, और साउथ में केरल को छोड़ दो, केरल में, केरल और कर्नाटका में लड़की लोगों का बहुत इज्जत है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए कि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है कि फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी है? अरे बोलो ना, मेल सर, मेल डोमिनेटेड। अब किसी का डोमिनेशन क्यों चलेगा, मिलजुल के रहेगा ना। हम लोग जब एक लड़का एक लड़की जब शादी करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, बेटर हाफ। हाँ, बंगाली में या हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धांगिनी। हाँ, मतलब लड़की जो है, औरत जो है, वो अर्धांगिनी होते हैं मेल का। तो अगर अर्धांगिनी है मतलब दोनों का रूल चलेगा ना। हाँ, लेकिन नहीं, हर बात में लड़का लोग, अभी चेंज हो रहा है, अभी बहुत कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारा चीज बदलना है। जैसे लड़की लोग ये नहीं करना है, लड़की हो तो वो नहीं करना है, ऐसा क्या? अरे ठीक है, कुछ चीज़ें थोड़ा समझ के करना पड़ता है, कुछ चीज़ें समझने वाली बात है, बट ऐसा नहीं कि इसके लिए वो नहीं है, उसके लिए वो नहीं है, नहीं, इतना क्रिटिसिज्म अच्छा बात नहीं, मतलब इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे, ठीक है, इतना डिस्क्रिमिनेशन अच्छा नहीं। तो ये सेक्स को लेके जो प्रॉब्लम है, ठीक है, मेल फीमेल इसको लेके, इवन अगर मेल फीमेल छोड़ दूँ, दो मिनट आपसे मैं अगर थर्ड जेंडर के बारे में बात करूँ, हाँ सर, आप लोग जानते हो ना, मेल फीमेल के अलावा और एक जेंडर भी होता है जिसको थर्ड जेंडर कहा जाता है, जिसमें आपका आ जाता है वो बेसिकली क्या बोलेंगे सर, जिसको हम लोग इन सिंपल में हिजड़ा बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, जो लोग बाइसेक्चुअल होते हैं, ठीक है, तो इस तरह का कुछ अलग थर्ड जेंडर में आते हैं। इवन आजकल कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी बताया सर, आप लोग काफी बड़े हो रहे हो सर, आप लोगों को पता होना चाहिए थर्ड जेंडर को उनको भी आइडेंटिटी दिया है। फॉर्म फिलअप में थर्ड जेंडर का एक जगह होता है ना,
फॉर्म फिलअप करने के टाइम भी देखना आप क्या हो, मेल हो फीमेल हो थर्ड जेंडर हो, मेल फीमेल एंड कस्टम। हाँ ठीक है, तो आप जो हो आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये सब बात को मतलब वो मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना है, मैटर को सिंपल रखना है। हम लोग ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं जो भी हो ये सब चीजें। अच्छा प्लेस ऑफ बर्थ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको लेके भी ना भाई तू कहाँ जन्मा है, अरे भाई कहाँ जन्मेगा इंसान, भगवान मतलब दुनिया को बनाने वाले कोई और है, हम लोग यहाँ पर पैदे हुए हैं, जानवर भी है हम भी जानवर है, इंसान भी जानवर ही जैसे ही है ना, एक अलग किंगडम है ह्यूमन बींग का किंगडम और कुछ नहीं, उसमें लड़ाई जैसे लायन का अलग किंगडम ह्यूमन बींग का अलग किंगडम, बस वही हम लोग। मैं तो समझता हूँ कि हम लोग जंगल से जानवर से भी ज्यादा जंगली है जो हम लोगों का हरकत है, कम से कम उन लोगों को तो लोग जानवर के नाम से जानते हैं, हम लोग तो खुद को बोलते हैं कुछ और लेकिन करते हैं जानवर जैसा काम। अच्छा एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी देख रहे हो सर, अनटचेबिलिटी मतलब वही छुआछूत है ना, ये हमारे समाज में ऐसा कुछ सिस्टम था, ठीक है मतलब एक्चुअली था नहीं ये बनाया गया था, सिस्टम कुछ ऐसा था, ऐसे आजकल कई बार लोग बोलते हैं ना भाई वो राम भी नहीं है और वो राम राज्य भी नहीं है, ठीक है मतलब जैसे जो मेनली जो स्टैंडर्ड सिस्टम था उसमें जो राजा थे वो सबको इक्वल कॉन्सेप्ट में रखते थे, बट बाद में कुछ गलत लोगों के कारण टेरर फैल गया, ठीक है भाई बोलते कि भाई तुम इस पानी में नहाओगे तो मैं इस पानी में नहीं नहाऊंगा, मतलब तुम छोटे जात हो तुम बड़े जात हो इस तरह का, ठीक है ऐसे थोड़ी है। अच्छा बोलो ना जो हमारे घर का कूड़ादानी साफ करके लेके जाता है सुबह सुबह, चाहे वो बाई कास्ट कुछ भी हो, ठीक है बाई कास्ट हो कुछ भी हो, साफ कौन है, मतलब अगर हम बोले कि भाई कौन साफ सुथरा है आप या वो, कोई बोलेगा सर उसका काम है वो करता है, लेकिन अगर वो दो दिन ना आए तो आपका क्या हालत होगा, कभी सोचा आप लोगों ने घर में घर का कूड़ा वगैरह जो साफ करते हैं स्पेशली जो लोग सिटी में रहते हैं, हाँ अगर दो दिन कचरा वाले कचरा लेने नहीं आते हैं तो घर का क्या हालत हो जाएगा बताओ ना, वो सिटी मार के सुबह सुबह जो लेके जाते हैं, आपको बात समझ में आ रहा है क्या रे, अरे बोलो आवाज आ रहा है ना सर, तो एग्जैक्टली हमसे ज्यादा साफ सुथरा वो है, तो ये एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी दूर होना चाहिए, जात पात के आधार पे नहीं, इंसान का काम देखो उनका कर्म देखो, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, लेकिन सर फिर भी कोटा सिस्टम चलता है ना सर, वो कोटा सिस्टम कुछ पिछड़ा हुआ लोगों के लिए बना हुआ है, बट आजकल इसको लेके पॉलिटिक्स हो गया है ना, आजकल ये चीज पॉलिटिकल मैटर हो गया। ये गुजरात में एक लड़का है क्या नाम है उसका हार्दिक पटेल, हाँ इसी चीज को लेके बेसिकली पॉलिटिक्स में आया है। एक है आपका बिहार में क्या नाम है, बिहार का एक लड़का है रे यूथ कन्हैया कुमार है ना, आप लोग शायद जानते होंगे, वो भी इस तरह का पॉइंट को उठा के बात करता है, मैं सुना कभी कभी। तो आप देखो सर ये सब आर्टिकल 15 सबसेक्शन 1 में क्लियर कट बता के रखा है कि आप इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी रिलीजियस के आधार पे, किसी रेस के आधार पे, किसी कास्ट के आधार पे, किसी सेक्स के आधार पे, किसी प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे, एनी ऑफ दैट कुछ भी, ठीक है। तो ये सब लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा बहुत चर्चा करके रखा था। चलो सर यहाँ पर ये सब जो है वो वही है जो अभी मैं बात कर रहा था, यहाँ से मैं आपको फ्रेशली बताऊंगा। Constitution guarantees to the citizen of Indian 6 freedoms. Sir, आपको Constitution 6 freedom देता है। क्या क्या freedom देता है? क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है screen clearly? हाँ सर। Yes sir। देखो, आपको freedom of speech देता है और आपको freedom of expression भी देता है। आप खुल के बोल सकते हो और खुल के express कर सकते हो। सर असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, सर आप किसी भी जगह में पीसफुली मतलब पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स आप असेंबल हो सकते हो, ठीक है मतलब किसी प्रोटेस्ट के कारण, ठीक है नॉर्मली लोग प्रोटेस्ट करते हैं ना, डिफरेंट रीजन होता है प्रोटेस्ट करने का, आप पीसफुली प्रोटेस्ट करो विदाउट आर्म्स मतलब हाथ में बंदूक वगैरह लेके नहीं, ठीक है विदाउट
बंदूक, बिना बंदूक का, बिना लाठी का आप इकट्ठा हो सकते हो। और हाँ, थोड़ा प्रायर परमिशन चाहिए होता है, परमिशन ले लीजिएगा, ठीक है, कभी भी किसी जगह में इकट्ठा हो। परमिशन अगर ना भी मिले फिर भी बिना आर्म्स का इकट्ठा हो सकते हो, आवाज उठाने का अधिकार है आपको। फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, आप अपने हिसाब से कोई एसोसिएशन बना सकते हो, कोई यूनियन भी बना सकते हो। सर आप मूव कर सकते हो पूरा देश में फ्रीली विदाउट द टेरिटरी, मतलब विदाउट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरा भारत में आप फ्रीली घूम सकते हो। सर क्या बात कर रहे हो, यस, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला सर, लेकिन कुछ एरिया है जहाँ थोड़ा सेंसिटिव कुछ प्रॉब्लम है, बॉर्डर रीजियंस, ठीक है, बॉर्डर जैसे कि मानो अपना नॉर्थ ईस्ट एरिया में, ठीक है, जैसे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल, असम, ठीक है, असम में उतना प्रॉब्लम नहीं है, मेनली नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बिकॉज ये बॉर्डर एरिया है। इधर आपका सिक्किम, ठीक है, सिक्किम, इधर आपका जम्मू कश्मीर एरिया, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है सर, बिकॉज पहचानना मुश्किल हो सकता है किसके मन में क्या है, तो पूछताछ करेगा आपको, ठीक है, बट बाकी जो इंटरनल इंडिया है, जो मेनलैंड इंडिया है, जो बॉर्डर के साथ इतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, वहां पर उतना कुछ प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, तो आप इजीली फ्रीली घूम सकते हो और बाकी जगह में भी जा सकते हो, बट थोड़ा परमिशन वगैरह कभी कभी जरूरत पड़ता है। तो मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सर रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और एक बात, आप पूरे भारत में कहीं भी जाओ जाके रह सकते हो, जहां मर्जी रह सकते हो, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल है सर, अगेन कुछ एक्सेप्शनल है, जैसे गोवा में थोड़ा एक्सेप्शनल है, सिक्किम में एक्सेप्शनल है, नॉर्थ ईस्ट में एक्सेप्शनल है, ठीक है, कश्मीर में थोड़ा एक्सेप्शनल है, ठीक है, तो कुछ सेंसिटिव एरिया है वहां पर, आप अगर रहना चाहो, चाहते हो, रिसाइड करना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो, थोड़ा प्रायर परमिशन का जरूरत पड़ सकता है, ठीक है, बट अदरवाइज नहीं है। मतलब देखो सर, पहले एक बार आपको हाँ बताता है और फिर आपको कुछ रोकेगा भी जरूरत पड़ने से। अरे क्या हो गया रे, आज कंप्यूटर मेरे को बहुत धोखा दे रहा है। दिखाई दे रहा है सर, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ओके, देखो थोड़ा डिस्टर्ब करेगा आज कंप्यूटर, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, अच्छा ये वाला बात भी ध्यान रखिए, आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, जो मर्जी प्रोफेशन करो, कोई नहीं रोकेगा सर, जो मर्जी, इलीगल काम भी, मार खाओगे क्या, इलीगल काम क्यों करोगे? हाँ सर, जो मर्जी का मतलब जो एक नॉर्मल बात है, जो मर्जी प्रोफेशन कर सकते हो, कोई नहीं रोकने वाला, कोई नहीं टोकने वाला, जो मर्जी ऑक्यूपेशन ले सकते हो आप, ठीक है, जो मर्जी ट्रेड ले सकते हो आप, जो मर्जी बिजनेस कर सकते हो आप, कोई नहीं रोकने वाला, कोई नहीं टोकने वाला, समझ आ रहा सर? प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमेंट और ऑफिस और एनी काइंड फ्रॉम अंडर ए फॉरेन स्टेट, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो। राइट रिलेटिंग टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेके 22 गारंटी देता है सर्टेन फंडामेंटल फ्रीडम, ये जो फ्रीडम आपको मैंने अभी बताया, सिक्स फ्रीडम, आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू द सिटीजन ऑफ इंडिया सिक्स फ्रीडम, जैसे कि अभी अपने आपके साथ मैंने बात किया, तो याद रहेगा ना आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1, क्या रे याद रहेगा कि नहीं? यस सर, यस सर। लेकिन लेकिन सर इसी पॉइंट में थोड़ा और भी कुछ बातें करना है आपसे। क्या बात है सर? देखो, दिस फ्रीडम्स आर दोज ग्रेट एंड बेसिक राइट्स व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड एज द नेचुरल राइट्स इनहेरेंट इन द स्टेटस ऑफ ए सिटीजन, जो एक सिटीजन को मिलना भी चाहिए। एट द सेम टाइम नन ऑफ दिस फ्रीडम्स इज एब्सोल्यूट बट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज 2-6 ऑफ आर्टिकल 19। द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19 सबसेक्शन 2 और 19 सबसेक्शन 6 परमिट्स द इम्पोजिशंस ऑन दिस फ्रीडम सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। जरूरत पड़ने से आपको रोकेगा, जैसे क्या प्रॉब्लम है? द रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड बाय लॉ एंड नॉट बाय ए प्योरली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशूड अंडर ए स्टैट्यूट एंड रेस्ट्रिक्शन मस्ट बी रीजनेबल एंड द रेस्ट्रिक्शन मस्ट बी इम्पोज्ड फॉर अचीविंग वन और मोर ऑफ द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन द रेस्पेक्टिव क्लॉज और आर्टिकल। जैसे परमिशेबल रेस्ट्रिक्शन 19 सबसेक्शन 2, परमिशेबल रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है? गवर्नमेंट के पास परमिशन हो जाएगा आपको रेस्ट्रिक्ट करने का। जैसे आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, सब कुछ ठीक है, सब 6 फंडामेंटल फ्रीडम आपको दे दिया, बहुत अच्छा, बट अगर
आपका आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच कंट्री का सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को तोड़ेगा तो आपको छोड़ दिया जाएगा क्या? मतलब आप कुछ भी हो जाए देश के अंदर इंटीग्रिटी को नहीं तोड़ सकते, देश के अंदर सोवरेनिटी को नहीं तोड़ सकते, है ना? पूरा देश एक है ये वाला बात को आप खत्म नहीं कर सकते। देश को एक नेशन की तरह रखना है, पूरा कंट्री एक नेशन है ये वाला फीलिंग सबके अंदर रहना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मन हुआ तो मैं कुछ भी बक दिया। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, किसी भी स्टेट का सिक्योरिटी आप तोड़ नहीं सकते। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच है बोल के, फ्रीडम ऑफ घूमने का इच्छा है बोल के कुछ भी करोगे? फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, फॉरेन स्टेट के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर उसमें देश का कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो फिर ऐसा फ्रेंडली रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकता है। पब्लिक ऑर्डर हो तो करना पड़ेगा। डिसेंसी और मोरालिटी, ठीक है, अगर आप मोरालिटी या डिसेंसी तोड़ते हो तो फिर आपका मतलब रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, मतलब बेसिकली डिफेमेशन क्या होता है, मतलब अगर किसी का रेस्पेक्ट के ऊपर कोई बात आ रहा है, सर बंगाली में हम लोग इसको बोलते हैं मानहानि, है ना, मतलब आपके रेस्पेक्ट पे आवाज आ रही है कि मतलब किसी के रेस्पेक्ट के ऊपर कुछ हानि आ रहा है, तो इस तरह का केस में आपका रिस्ट्रिक्शन लगा जा सकता है। एंड इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है, ये क्या होता है सर, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, किसी को गलत काम करने के लिए उकसाना। बात कुछ समझ में आ रहा है सर? गलती बहुत लोग होते हैं सर हमारे सोसाइटी में, आपको मैं क्या बताऊं, हमारे समाज के अंदर ऐसे बहुत लोग होते हैं जो अपने फायदे के लिए ना यूथ को लूटते हैं, यूथ को खत्म करते हैं, अंदर से खोखला कर देते हैं। जैसे मेरे को एक इंसिडेंट याद आ रहा है, रियल लाइफ इंसिडेंट है सर, आप लोग जानते हो 2011 के टाइम पे वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़ रीजन में, छत्तीसगढ़ में तो अभी भी है बट हमारे वेस्ट बंगाल में माओवीस्ट मतलब माओवादी या माओवीस्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, जानते हो ना सर, आप लोग सुने होंगे, नक्सलाइट भी बोलते हैं लोग कभी कभी इसको, बट एक्चुअली ये नक्सल और ये माओवादी में थोड़ा फर्क है। अरे सुने हो कि नहीं सुने हो, बोलो ना, सुना है कि नहीं सुना है? है ना, है ना? Yes, तो ये जो वेस्ट बंगाल का कुछ वेस्टर्न रीजन है, साउथ बंगाल का लाइक झाड़ग्राम, ठीक है, इस तरह का कुछ एरिया जो झारखंड और ओडिशा का कुछ बॉर्डर एरिया, ठीक है, ओडिशा का भी कुछ पार्ट इसके अंदर है और छत्तीसगढ़ एरिया, सर क्या हुआ था? ये तो बांग्ला सिनेमा हुआ थे। हाँ सिनेमा तो तुम लोग देखे हो सर, मैं तो रियल लाइफ देखा हूँ क्योंकि मैं इसी झारखंड रीजन से बिलोंग करता हूँ, तो आई नो कि पूरा का पूरा इफेक्ट देखा सर मैंने और मैम ने। मैम का तो सर पूरा कॉलेज ही माओइस्ट पीरियड में हुआ है, मतलब परेशानी क्या हो सकता है आपको मैं क्या बताऊँ सर। सुबह 6 बजे मतलब सुबह 5 बजे घर से निकलो और रात को 10 बजे घर आओ, ठीक है, कॉलेज मतलब आपको रास्ते में बस नहीं मिलेगा, एक बस मिलता है तो उस बस के छत पे भी लड़की को चढ़ना पड़ता है, ऐसे हालत। मतलब अगर बस का जो फुट स्टेप्स होता है ना जहाँ पर लोग पैर रखता है उस लास्ट में पैर रख के पूरा मैम का कॉलेज का जिंदगी बीता है, मतलब इतना भयंकर सिचुएशन, ना बस चलता है ना ट्रेन चलता है, ठीक है, सब बंद कर दिया था। अब ये ट्रेन क्यों बंद हुआ था उसी का कहानी मैं आपको 2 मिनट एक बार याद दिलाता हूँ। देखो लोग क्या किया है आम आदमी के साथ, कुछ लोग क्या करता है, मतलब ये बस कुछ अपना पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करने के लिए। सर आप लोग एक ट्रेन के बारे में सुने होंगे, ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस। अरे हम सुने कि नहीं सुने, ये ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस को माओवादी ने क्या किया था जानते हो, वो माओवादी लोगों ने उड़ा दिया था, ट्रैक उड़ा दिया था और ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस एक्सीडेंट हुआ था। ये मेरे नेटिव के सामने, मतलब मेरा नेटिव जहाँ है वहीं पर, मैं आपको ज़्यादा इमेज नहीं दिखाना चाहता, बस इतना आपको एक दिखा बता सकता हूँ कि ये ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग मारा गया था सर, ठीक है, बहुत सारे लोग मारा गया था। जाओ सर ये इमेज छोड़ दो सर, इमेज नहीं दिखाना है, बहुत भयंकर। मैं गया था साइड में, मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर में था। तो ज्ञानेश्वरी एक्सीडेंट जिन लोगों ने किया था और जो बेसिकली उसमें इन्वॉल्व था, उसमें से एक था जो मेरा क्लासमेट था, मतलब जो मेन अक्यूज माना गया था, मतलब बचपन में मैं जो जिस गांव के स्कूल में पढ़ता था वो भी मेरे साथ उसी स्कूल में पढ़ता था। इवन कभी एक बार स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो वो मेरे लिए खड़ा हुआ था कुछ प्रॉब्लम को मतलब ये करने के लिए, बिकॉज वो बहुत ऑनेस्ट था, ठीक है। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, मतलब ऐसे ऑनेस्ट बच्चे लोगों, ऑनेस्ट यूथ को कुछ लोग कैसे यूज किया, 17-18-20 साल का बच्चा हार्डली स्कूल पास आउट हुआ है, इनके मन में इतना पाप कौन भरता है? ये पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करने वाले लोग,
जो बेसिकली पॉलिटिकल टेरर फैलाता है। और ये पॉलिटिकल टेरर के नाम के क्या किया, देखो 200 से ज्यादा लोगों को मतलब मृत्यु हुआ था, और एक बहुत खराब बात है। तो जो जिसको एक्यूज माना गया था वो तो एक सीधा साधा यूथ है, जिनको भड़काया गया, वो भड़कावे पे आ गया, उसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। 17-18 ईयर्स ओल्ड, क्या क्या समझता है। और जिन्होंने करवाया वो कितना गलत है सोचो, चाहे टेरर किसी भी तरह का हो। जैसे मुंबई में आके कसाब ने जो किया था, उसको धर्म के नाम पे उल्टा सीधा सिखा के भेज दिया, सेम काम है। वो भी जो किया, ये भी जो किया, टेरर का कोई जाति नहीं होता, टेरर टेरर होता है, टेरर टेरर होता है। तो ये किसी को किसी भी काम के लिए उकसाना बहुत खराब चीज है, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। उकसाओ मत, उकसाना उतना ही गलत काम है जितना जो कर रहा है उससे भी ज्यादा, समझ रहे ना सर। ये वही लोग करता है जिसको बस अपना बेनिफिट चाहिए होता है, इनको दुनिया का और बाकी चीजों का फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लोग देश के लिए बहुत भयंकर होता है। परमिसिबल रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना क्यों मेरे को बोलने का आजादी चाहिए। हाँ, जैसे एक एक्टर है, एक्टर का नाम एक लेडी एक्ट्रेस बेसिकली सौरभ हस्कर बोल के एक एक्टर है, मैं उनका एक्टिंग बहुत पसंद करता हूँ। उनका एक मूवी देखा था मैंने, सौरभ हस्कर का मूवी का नाम था नील बट्टा सन्नाटा, आई होप आप लोग भी देखे होंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन सौरभ हस्कर एक जगह में बता रहे कि आधार कार्ड का क्या जरूरत है, एक जगह में बता रहे कि मेरा कोई आइडेंटिटी नहीं है इंडिया में, तो क्या हो जाएगा, क्या मैं इंडियन नहीं हूँ। सर आप इंडियन हो तो आपका इंडियन आइडेंटिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे क्या रे, आप क्या बोलते हो, आप अगर इंडियन हो तो क्या आपका इंडियन आइडेंटिटी होना चाहिए। यस है ना, तो ये क्या बात हो गया, आप क्या बात कर रहे हो, आप तो इंटीग्रिटी तोड़ रहे हो देश का। वो एक्चुअली सीए एनआरसी मुद्दा पे बात कर रहा था, बहुत लोग इसके अगेंस्ट में जाके बात कर रहा है। मैं सीए एनआरसी के अगेंस्ट में फॉर में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आप मुझे एक चीज बताओ, आप इस देश का कोई लगते हो, आप इस देश में रहने वाले हो, आप इस देश का मतलब सिटीजन हो, तो क्या आपके पास देश का आइडेंटिटी प्रूफ कुछ नहीं रहेगा। सिंपल सा बात है, लेकिन वो लोग उकसा रहा है, बोले नहीं जरूरत नहीं है। मतलब कोई भी आएगा ऐसे देश को, तो बहुत पहले बहुत कुछ हुआ है देश में। अब ऐसे तो 47 में आजादी मिला है, 70-75 साल हुआ है, ऊपर से चाइना का प्रॉब्लम है, पाकिस्तान का इधर कश्मीर का इशू है, हाँ बांग्लादेश के साथ छोटा मोटा लगा रहता है, बिकॉज बांग्लादेश को भी बहुत लोग भड़काने वाले हैं, दूसरा कंट्री। अब बोलो कि देश के अंदर कोई भी आए कोई भी जाए, हम लोग चुप रहेंगे क्या। अरे भाई सिंपल सवाल है कि अगर आप इंडियन हो तो फिर आपके पास कुछ आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। अगर आप बिना कारण में इंडिया में इतना दिन में बसे हुए तो आपका मकसद क्या है पता होना चाहिए। लेकिन वो लोग बोलते नहीं होना चाहिए, दे आर सेलिब्रिटी, लोग उनको सुनते हैं जानते हैं मानते हैं, लेकिन जब देश का इंटीग्रिटी खत्म हो जाए उनको फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको क्या बताऊं, मतलब सिंपल सा सवाल है कि आपको बोलने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बकोगे जो सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को हानि पहुंचाएगा, ऐसा स्पीच आप नहीं दे सकते, ऐसा फ्रीडम अच्छा बात नहीं है। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट जो बोल रहा था मैं एक्चुअली, आप फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, मुंबई में क्या किया था बोलो, कोई भी आया एकदम ताज होटल में घुस के मारा, मतलब कुछ भी चलता है ना, तो थोड़ा सा समझदारी रखना चाहिए ना, थोड़ा तो समझदारी रखना चाहिए। फिर हम लोग एक जाति का नाम खराब कर देते हैं, धर्म का नाम खराब कर देते हैं। नहीं कोई जाति धर्म, जैसे बोलो ना माओवादी जिन्होंने किया था, इनका जाति तो अलग था, जो मुंबई में अटैक किया उनका जाति अलग है, धर्म अलग है। तो धर्म का नाम खराब नहीं करना है, सब अपने अपने जगह में सही धर्म निभाते हैं, टेरर का कोई धर्म नहीं होता। ये जो टेरर धर्म करने वाले लोग हैं ना, इनसे आपत्ति है सर, इनसे आपत्ति है जो टेरर फैलाते हैं। अब किसी धर्म को फालतू में हम लोग उछाल देते कि ये धर्म के लोग ये खराब काम करते, वो धर्म के लोग खराब काम करते, नहीं धर्म से कोई लेना देना नहीं। कभी सिख को गाली दे देते हैं, कभी मुस्लिम को गाली देते हैं, कभी हिंदू को गाली देते, नहीं ये सिख हिंदू इस्लाम का बात है ही नहीं, इट्स ऑल अबाउट टेरर। कुछ लोग है जो अपना मकसद पूरा करने के लिए दूसरे से गलत काम करवाते हैं, यूथ को खत्म करते हैं, इनसे प्रॉब्लम है। आइडेंटिटी चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए सर, सबका आइडेंटिटी चाहिए, नहीं तो देश को रेस्ट्रिक्शन मतलब देश को सिक्योरिटी कैसे दोगे आप।
कैसे दोगे आप? इसमें धर्म का कोई बात नहीं है, इट्स नॉट अबाउट कास्ट रिलीजन। लोगों को भड़काया जाता है सर पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करना, नहीं सिक्योरिटी कहाँ जाएगा सर देश का? आई होप आप लोग सोच रहे हो, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि बिकॉज गवर्नमेंट इसीलिए आपको रेस्ट्रिक्शन भी लगाते हैं और गवर्नमेंट आपको एक बार फ्रीडम भी देता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा साइंटिफिक लगता है मुझे जब मैं इसको पढ़ता हूँ बार 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 बार, मेरे को समझ में आता है कि भाई हाँ कुछ तो बात है इसमें। ऐसा नहीं कि मतलब पॉलिटिक्स में कभी ममता दीदी कुछ बताए तो आप उनका सुन लो, कभी मोदी कुछ बताए तो आप उनका सुन लो, नहीं, ना मोदी का सुनना है ना ममता दीदी का सुनना है, सुनना है देश के बारे में समझना है। आप इतना पढ़ा लिखा हो कि किसी के बातों पे नहीं आना है जो देश के लिए है, अब वो तो सोचो। मोदी ममता क्या बोल रहे हैं, उनका अपना अपना पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, दे आर पॉलिटिशियन, उनको जीतना है किसी को हारना है, वो अपने हिसाब से बात करेंगे। बट आप देश के बारे में सोचो कि देश के लिए क्या सही है, देश के लिए क्या गलत है। अगर मोदी गलत है तो मोदी भी गलत है, अगर ममता दीदी गलत है तो ममता दीदी भी गलत है, बट आप सोचो कि क्या देश के लिए सही है। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, मतलब आप फॉरेन स्टेट के साथ इतना भी फ्रेंडली कुछ मत करो कि फॉरेन आपके थ्रू से इंडिया में पहुंच के कुछ भी कर दे। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, ये सब चीजें प्लीज ध्यान रखिएगा। अरे समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं? छह फ्रीडम और रेस्ट्रिक्शन कब लगाया जा सकता है? ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं भाई मेरा आजादी तो है ना बोलने का। हाँ भाई, लोग मूवीज बनाते हैं, ऐसा ऐसा मूवी भी बना देता है, मैं देखता हूँ कभी कभी, जो मूवीज बनाना नहीं चाहिए। मतलब बोलने की आजादी है बोल के तुम कुछ भी बकोगे क्या? नहीं, इसलिए आजकल थोड़ा सा सेंसर बोर्ड में रेस्ट्रिक्शन आ रहा है। मेरे तो मन में बहुत कुछ चल रहा है बोलने के लिए, बट हर चीज़ में बोल नहीं सकता। आप लोग बोलोगे सर पागल हो गए आप। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अंडर दीज हैंड्स हेड्स कैन बी इम्पोज ओनली बाई ए ड्यूटी एनेक्टेड लॉ एंड नॉट बाई द एग्जीक्यूटिव एक्शन, एक्सप्रेस न्यूज पेपर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये देखो ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक्सप्रेस न्यूज पेपर प्राइवेट लिमिटेड का हुआ था। मतलब न्यूज पेपर है तो कुछ भी बकेगा, इसका इंटीग्रिटी यूनिटी तोड़ेगा, तो बेसिकली प्रॉब्लम चलता रहता है, तू मैं चलता रहता है। बट वही अल्टीमेट बात है कि कभी भी कहीं बार गवर्नमेंट भी गलत होता है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट गलत नहीं होता। ठीक है, मैंने भी देखा गवर्नमेंट गलत होता है, तो उसमें भी आवाज उठाने का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको अधिकार देता है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 कन्फर्स ऑन एवरी पर्सन द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इट सेज दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। The right to life includes those things which make life meaningful. आपको वो हर चीज करने का अधिकार है जो आपके लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं। The right to life enshrined in Article 21 guarantees right to live with human dignity. इंसान हो, इंसान की तरह रहो। Right to live in freedom from noise pollution. Yes, noise pollution से दूर रहने का अधिकार है आपको। मतलब दूर रहने का नहीं, मतलब आप जिस एरिया में रहते हो उस एरिया में नॉइज ना हो, ये कहने का अधिकार है आपको। जैसे दिवाली आ रहा है सर, बहुत घर में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं जिनका हार्ट वीक हो जाता है मतलब उम्र के साथ साथ, बट कुछ नौजवान होते हैं, कुछ मतलब यूथ होते हैं, उनको समझ में नहीं आता। वो घर के सामने दो दो माह मतलब चॉकलेट बम का बहुत भयंकर आवाज़ करेगा, और हम सबको पता है कि चॉकलेट बम का जो आवाज़ है वो लिमिट से बाहर है। एक लिमिट होता है ना सर, साउंड लिमिट, मतलब आप कितना नॉइस कर सकते हो, क्या एक डेसिबल का एक क्या कॉन्सेप्ट होता है, कितना डेसिबल का एक होता है ना साउंड का, किसको पता है सर, मुझे थोड़ा याद दिलाएगा। चौथा कत डेसिबल एक साउंडर व्यापार है ना, 42 सर, 42। हाँ, तो वही, तो हम लोगों को ये सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अगर किसी के घर के सामने बहुत जोर से आवाज कर रहा है, घर में कोई बुजुर्ग है, जैसे आजकल मैं देखता हूँ गाड़ी चलाते हैं फालतू का पैं 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 करे जाते हैं रास्ते में, अरे सर हार्ट का प्रॉब्लम और बढ़ जाता है, दिमाग तो ऐसे ही दही बन जाता है। अरे क्यों पैं पैं करते रहते हो, शांति में रहने में कौन माना करता है, तुम्हें ही जल्दी है क्या? समझ में नहीं आता। द फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पॉल्यूशन इज ए फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 21 एंड नॉइज पॉल्यूशन बियॉन्ड परमिसेबल लिमिट्स इन एन inroad into that right noise pollution in ye case hua tha supreme court ka 733 ka case hai, aap samajh rahe ho kitna sara matlab fundamentals hai aapke। in satwat singh samway
वर्सेस एपीओ न्यू दिल्ली का केस था. इट वाज हेल्ड दैट राइट टू ट्रैवल इज इंक्लूडेड विद इन एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी एंड देयरफॉर नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू ट्रैवल एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. यस, आपको जाने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, बट अगर किसी जगह में लॉ है तो वो लॉ नहीं तोड़ सकते. जैसे मुझे याद है 2006 मोस्ट प्रोबेबली मैं सर कश्मीर घूमने गया था फैमिली के साथ. ठीक है, मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, बट अभी भी मुझे याद है. एक एरिया है, आप लोग अगर कभी कश्मीर घूमने गए हो कोई तो उनको पता होगा, श्रीनगर से नॉर्थ की तरफ जाने से एक एरिया आता है सर सोनमार्ग बोल के. नाम सुना किसी ने? है ना, ये श्रीनगर से नॉर्थ की तरफ जाने से ये देख रहे हो ना, ये पीओके है और यहाँ पर एक एरिया आता है सोनमार्ग. ये सोनमार्ग से कुछ दूर जाने से, सोनमार्ग से कुछ दूर जाने से, आई थिंक मैंने सही जगह पे पहुंचा, देख लेते हैं. यस, ये देखो सोनमार्ग दिख रहा है ना, ये रहा सोनमार्ग और नीचे था कश्मीर श्रीनगर. ठीक है, सोनमार्ग से थोड़ा सा जाने से सर आपका आ जाता है कारगिल. ठीक है, तो सोनमार्ग के बाद कोई भी नॉर्मल टूरिस्ट नहीं जा सकता बिकॉज सेंसिटिव एरिया है, युद्ध चलता है कभी भी, कश्मीर पाकिस्तान के साथ बोमाबारी चलता रहता है. तो क्या आप क्या बोलोगे कि नहीं भी भारत है मैं जाऊंगा? हाँ सर, आप यही बोलोगे ना कि नहीं मेरा भारत है मैं घूमूंगा, तुम कौन रोकने वाले? नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते बिकॉज ये लॉ एंड ऑर्डर इश्यू है. ठीक है, सेंसिटिव एरिया है, आपके अच्छाई के लिए आपको जाने के लिए मना करता है. तो आप सोनमार्ग पहुंचने के बाद आप आगे नहीं जा सकते. अभी भी शायद यही रूल्स है. ठीक है, अभी भी शायद है. जैसे इधर में भी एक एरिया है, इसके बारे में मैं सुना हूँ, मैं कभी विजिट नहीं किया, मेरे को इच्छा है जाने का. ये आपका पहले वो कश्मीर का ही हिस्सा था, अभी बट अभी उसको यूनियन टेरिटरी किया गया है अलग से, दैट इज लद्दाख. ठीक है, तो लद्दाख में ले के बाद एक एरिया है, वहां तक जाने का परमिशन नहीं था, बट अभी वहां पर जाने का परमिशन दे रहा है सर. ठीक है, अभी जा सकते बिकॉज वो एरिया उतना सेंसिटिव नहीं है पहले से. तो ये सब हम लोगों को देखना पड़ता है. ठीक है, तो वही जहाँ लॉ आएगा आप नहीं कर सकते. तो ये केस हुआ था. सिंस ए पासपोर्ट इज एसेंशियल फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ दैट राइट, द डिनियल ऑफ ए पासपोर्ट अमाउंट्स टू डिप्रिवेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी. है ना, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ ऑफ लैंड सस्टेनिंग द रिफ्यूजल ऑफ ए पासपोर्ट टू ए पर्सन, इट इज रिफ्यूजल अमाउंट्स टू एन अनऑथराइज्ड डिप्रिवेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी गारंटेड बाय आर्टिकल 21. मतलब हर बात में आप पासपोर्ट भी नहीं मांग सकते, बट हाँ जब जरूरत होगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगा, मांग भी सकते हैं, बट इंडिया में घूमने के लिए जरूरी नहीं है. ठीक है, तो इस तरह का बात है सर. ठीक है, जो आपको फंडामेंटल्स एकदम कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्लियर कट आपको बताता है. नेटवर्क इश्यूज हो रहा है क्या सबको? बोलो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर. राइट टू एजुकेशन, देखो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का, शिक्षा के विषय में क्या बोलता है देखो कॉन्स्टिट्यूशन. अरे भाई, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सर, ये आर्टिकल का ना जो नंबर है ना, ये याद रखना है आपको. द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स. मतलब 6 साल की उम्र से लेके 14 साल की उम्र तक का पढ़ने का अधिकार सबको है. इवन किसी का पिता माता भी उसको पढ़ने से नहीं रोक सकता. और ये देखने का राइट किसको है? स्टेट देखेगा. ठीक है, जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में वो बच्चा है 6 से 14 साल तक का, ये उनका बेसिक एजुकेशन है. ये बेसिक एजुकेशन उससे कोई नहीं छीन सकता. अगर किसी का पेरेंट्स बोलते कि नहीं तेरे को स्कूल नहीं जाना है, तो उसके पेरेंट्स को भी सजा मिल सकता है. समझ में कुछ आया सर? ये बात समझ में कुछ आया? राइट टू एजुकेशन. ठीक है, तो याद रखिएगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है, एंड बेगर एंड अदर सिमिलर. ऐसे होता है ना सर, हमारे देश में बच्चे लोगों को, औरत को, लड़कियों को ट्रैफिक किया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह बेच दिया जाता है. ये बहुत भयंकर एक कॉन्सेप्ट है, नेपाल से बहुत ज़्यादा चलता है, नॉर्थ ईस्ट में भी इसका इशू है, बंगाल में, कोलकाता में बहुत इशू है इसका. ठीक है, तो इट्स अ वेरी बैड थिंग सर. सो समाज के लिए बहुत बहुत भयंकर इशू है. आपको ये सब चीज़ें जानना चाहिए,
बहुत गंभीर मुद्दा है, यू हैव टू नो दीज थिंग्स, कि समाज में बुराई को पता होना चाहिए आपको, कि समाज में बच्चा औरत लोगों को बेच देते हैं, फॉरेन कंट्रीज में बेच देता है, ठीक है, गलत काम करने के लिए बेच देते हैं, ये सब अच्छा बात थोड़ी है सर। तो जो भी हो आप समझो बात को, आर्टिकल 23 ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डिंग विद लॉ, फर्दर एज पर आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स यस शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क, 14 साल के नीचे कोई काम नहीं कर सकता, चाइल्ड लेबर के लॉ में फंस जाओगे, इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज इन एनी अदर हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट, ना तो माइन में काम कर सकता ना तो फैक्ट्री में, ना ही किसी भी तरह का हैजर्डस मतलब जो शरीर के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा जगह में आप बच्चे को तो काम के लिए भेज ही नहीं सकते, ठीक है। तो 14 साल के नीचे किसी को काम कहीं पर भी मत करवाना, अगर करते हुए देखा गए मतलब फंस जाए तो आर्टिकल 24 उसका सजा भी दे देगा सर। तो ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ठीक है, जबरदस्ती लेबर बना के दूसरे देश में भेज देना, ये इंडिया में एक बहुत खराब चलता है, एंड प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। इंडिया में कुछ लोगों का सोच है सर, जानते हो ना, कि अपने आप को गरीब समझता है और सोचता है कि सब बेकार है उनके जिंदगी में, तो पैसे के लिए कुछ भी कर देता है, ये सब बहुत ही गरीब सोच है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो मैं आपको रिलीजन के बारे में पहले भी बोला, फिर से एक बार देखो, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यस, आपका रिलीजियस जो भी बिलीफ है आप एकदम मेंटेन कर सकते हो देश का इंटीग्रिटी को बचाते हुए, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन और प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। यस, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए अगर आप मतलब कुछ अमाउंट पेमेंट भी करते हो वो भी चलता है। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस ओरशिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये भी एकदम अलाउड है, ठीक है। आप अपने मर्जी से किसी भी रिलीजियस ग्रुप के इंस्ट्रक्शनल एरिया में, ओरशिप एरिया में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जा सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं। अरे देखो सर, सारा का सारा रिलीजियस स्कूल या रिलीजियस जो भी ग्रुप है, रिलीजियस जो भी मैटर है, एक्चुअली इसी को लेके मारा मतलब मार दंगा होता है, बट मैं आपको बोलता हूँ जो सच्चा रिलीजियस मैटर संभालते हैं ना, वो हमेशा इंसान के लिए ही काम करता है, मतलब ओरिजिनल वाले जो हैं। कुछ लोग होते हैं जो इनको मिसयूज करके अपना धंधा चलाते हैं, इनसे बच के रहना, ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं, जो सच्चाई के आड़ में बंदूक चलाते हैं, इनसे बहुत खतरा है सर दुनिया को। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 गारंटीज द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इट इज रेमेडियल एंड नॉट सब्सटेंटिव इन नेचर, द रेस्ट ऑफ द आर्टिकल 33-35 रिलेट टू सप्लीमेंटरी मैटर्स एंड डू नॉट क्रिएट और गारंटी एनी राइट, देयरफॉर वी शैल डिस्कस आर्टिकल 32 फर्स्ट एंड रेस्ट 33। देखते हैं सर आगे क्या है। एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, इट इज अ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ जुरिसप्रूडेंस, इट्स अ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ जुरिसप्रूडेंस दैट वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, अगर आपका किसी जगह में अधिकार है तो उसका रेमेडी भी है। इसको बोलते हैं लैटिन में यूबी जस इबी रेमेडियम, ओके, यूबी जस इबी रेमेडियम, याद रखिएगा सर, व्हेन देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, एंड इफ राइट्स आर गिवन विदाउट देयर बीइंग अ रेमेडी फॉर देयर एनफोर्समेंट दे आर ऑफ नो यूज। अगर आपको राइट है लेकिन राइट मिल नहीं रहा है तो फिर क्या मतलब है। वेल रेमेडीज आर अवेलेबल इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर ऑर्डिनरी लॉज, Article 32 makes it a fundamental right that a person whose fundamental right is violated, अगर कभी भी किसी का fundamental right violate होता है, has the right to move the Supreme Court, वो directly Supreme Court जा सकता है by appropriate proceedings for the enforcement of his fundamental right. It is really a far-reaching provision in the sense that a person need not first exhaust the other remedies and then go to Supreme Court. मतलब पहले आप रेमेडी ढूंढोगे, उसमें एग्जॉस्ट हो जाओगे और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, नहीं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाओ अगर आपका फंडामेंटल राइट्स किसी भी जगह में छीना जाता है तो। इसका एक बहुत बड़ा मिसाल मेरे को याद आ रहा है सर, ये इस्लामिक एक रूल्स है हमारे देश में, सारिया लॉ मोस्ट प्रॉब्ली, उसमें एक ट्रिपल तलाक का केस है, आप लोग शायद बहुत लोग जानते हो, ठीक है। तो वो ट्रिपल तलाक हैदराबाद की मोस्ट प्रॉब्ली एक, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं तो मुस्लिम ही है, ठीक है, उन्होंने सायरा बानो मोस्ट प्रॉब्ली, अगर आप लोगों को किसी के याद है तो बोल सकते हो, मेरे को जितना याद है सायरा बानो मोस्ट प्रॉब्ली, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट किया था और ट्रिपल तलाक को इंडिया में अबोलिश किया, जानते हो ना सर।
मतलब तीन यस सर है ना, मतलब तीन बार तलाक तलाक बोलने से तलाक हो गया, मतलब ये एक तरह का फीमेल के ऊपर डोमिनेशन है बेसिकली, है ना। तो ऐसा नहीं कर सकते, मतलब वही डोमिनेशन का मतलब धर्म के नाम पे कुछ भी नहीं, चाहे वो रिलीजियस कुछ भी हो, चाहे इस्लाम में हो। सर 2017 का केस है, तो सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक को एबोलिश कर दिया। ऐसे आपको सुन के अच्छा लगेगा कि पाकिस्तान में ये बहुत पहले ही हो गया था, पाकिस्तान फुल्ली इस्लामिक नेशन है, पाकिस्तान में ये पहले ही हो गया था, इंडिया में अभी तक नहीं हुआ था। अच्छा, खराब बात था। तो अच्छा है सर किसी ने अपना फंडामेंटल राइट्स को वायलेट होते देखा और फिर जाके रेमेडी ढूंढा, और रेमेडी से पहले सुप्रीम कोर्ट चला गया। ठीक है, लड़ाई बहुत हुआ बट कोई आवाज़ नहीं किया। ठीक है, बहुत ईजिली हो गया, ज़्यादा कोई आवाज़ कर ही नहीं पाया। So on the other hand, he can directly raise the matter before highest court of the land, and Supreme Court is empowered to issue direction or order of rights in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari. मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये certiorari क्या है, quo warranto क्या है, mandamus, prohibition क्या है, and habeas corpus क्या है, I will discuss. सर सुन के थोड़ा गजब लग रहा है ना, नाम सुन के, habeas corpus, mandamus, prohibition, ठीक है, वो वारंटो एंड सर्टियोरारी। तो ये सर्टियोरारी क्या है, सर्टियोरारी बेसिकली, ठीक है, ये जीप भी लड़खड़ा जाता है। व्हिच एवर मे बी एप्रोप्रिएट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट, द वायलेशन ऑफ व्हिच हैज बीन अलेज्ड, दिस पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू इशू डायरेक्शन एटसेट्रा मे ऑल्सो बी असाइन टू अदर कोर्ट्स बाई पार्लियामेंट विदाउट अफेक्टिंग द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट इज इटसेल्फ अ गारंटी राइट, एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस हैज बीन असेस्ड बाय द गजेंद्र राजकुमार जी एंड फॉलोइंग वर्ड्स। क्या बोलते हैं सर कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। द फंडामेंटल राइट, आपका फंडामेंटल राइट टू मूव हिज कोर्ट कैन देयरफॉर बी एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द डेमोक्रेटिक एडिफिस रेज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज व्हाई इट इज नेचुरल दैट दिस कोर्ट शुड, इन द वर्ड्स ऑफ पतंजलि शास्त्री जे, रिगार्ड इटसेल्फ एज द प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। कोर्ट है जो हमारा फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट और गारंटी देता है, and should declare that it cannot consistently with the responsibility laid upon it refuse to entertain applications seeking protection against infringement of such rights, in discharging the duties assigned of to it, this court has to play the role of sensual and quasi, ठीक है, मतलब sensual, मतलब sentinel role play करेगा, fundamental rights provide करेगा। ये case हुआ था सर state of madras versus vg roe में, all india report था, ये supreme court का case था, ठीक है। So it must be regarded it as a solemn duty to protect the said fundamental rights jealously and vigilantly. ठीक है, ये सब कोर्ट में बहुत पहले से ही डिक्लेयर करके बता के रखा सर, समझ में आ रहा है ना सर। अब आगे देखो, ये जो भी मैं आपको अभी बता रहा था वो भी मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी, वो जो हैबियस कॉर्पस ये सब बताऊंगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, अब ध्यान से फटाफट थोड़ा स्टेट पॉलिसी देख लो। The subcommittee on fundamental rights constituted by the constituted assembly suggested two types of fundamental rights, one which can be enforced in the court of law and other which can, because of their different nature, cannot be enforced in the law of courts. Later on, however, the former were put under the head fundamental rights as part 3, with which we have already discussed, and later were put separately in part 4 of the constitution under the heading directive principles of state policy, which are discussed. Chalo dekhte. आर्टिकल इंक्लूड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 36 से लेके 51 में बोला है, कंटेन सर्टेन डायरेक्टिव्स व्हिच आर द गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू लीड कंट्री। आर्टिकल 37 प्रोवाइड्स दैट नो प्रोविजंस कंटेंड इन दिस पार्ट 1 शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट बट द प्रिंसिपल देयर इन लेट डाउन। चलो देखते हैं क्या है। आज मेरे कंप्यूटर में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ तो वो भी भागे जा रहा है। देखो सर क्या बोलते हैं, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी ड्यूटी टू द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल एंड मेकिंग लॉज। मतलब जो कंट्री का कहना है वो स्टेट भी मानेगा, स्टेट मतलब राज्य का बात हो रहा है। द डायरेक्टिव हाउएवर डिफर फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स कंटेन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द ऑर्डिनरी लॉज। मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस अगर कहीं पर दिखे उसका समझा जाएगा, ठीक है, मे बी थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हो सकता है ऑर्डिनरी लॉ के साथ, बट ये देखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट का है। द डायरेक्टिव्स आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट एंड डू नॉट क्रिएट any justiciable rights in the favor of individual. The directive requires to be implemented by legislation, and so long as there is no law carrying out a policy laid down in directive, neither the state nor an individual can violate any existing law. Simple baat hai, jo central bolega, jo supreme court bolega, na to state na hi koi individual usko todega,
ठीक है, तो बस ये सिंपल फंडामेंटल्स में बोला है, एक बार जस्ट गो थ्रू करना, समझ जाओगे सर इंपॉर्टेंट ऑफ डिडक्टिव प्रिंसिपल। अच्छा मैं आपको ये बारह बात जो मैं आपको बार बार बोल रहा था, इंपॉर्टेंट डिडक्टिव प्रिंसिपल्स, टू बी स्पेसिफिक द इंपॉर्टेंट डिडक्टिव प्रिंसिपल्स आर एनुमेरेटेड बिलो। स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। स्टेट का काम होता है, आजकल हर सेंट्रल बोर्ड में ना एक वेलफेयर डिपार्टमेंट भी होते हैं, फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, वोमेन एंड फैमिली वेलफेयर डिपेंड, वोमेन चाइल्ड एंड फैमिली वेलफेयर ऐसे भी होते हैं। देखो क्या बोलता है, सर्टेन प्रिंसिपल पॉलिसी टू बी फॉलोड बाई द स्टेट, द स्टेट पर्टिकुलरली मस्ट डिरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट द सिटीजन मेन वोमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। चाहे आप लड़का हो, चाहे आप लड़की, चाहे आप औरत हो, चाहे आप मर्द, सबको इक्वली जीने का अधिकार है। ठीक है, ये सिंपल सिंपल बातें हैं सर। मतलब हम लोग बात करते हैं ना कई बार कि भाई ऐसा बोल रहा है कहाँ लिखा है, वैसा बोल रहा है कहाँ लिखा है, एक्चुअली सभी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट बोला हुआ है सर। ठीक है, अभी मैं आपसे थोड़ा फंडामेंटल ड्यूटीज में बात कर लूँ सर। राइट्स तो आप तब से देखे जा रहे हो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो ना। हाँ सर। यस सर। देख लो सर फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है आपका, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। यस, आपको मानना पड़ेगा सर, ये आपका ड्यूटी है। नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग में आपको पूरा रेस्पेक्ट करना है। कोई बोलता है हमारे देश में कुछ पागल है, जानते हो कुछ ऐसे लोग हैं कि नेशनल एंथम पे खड़ा नहीं होता। सर हैंडीकैप है तो नहीं खड़ा हो सकता, अलग बात, बट वो खड़ा हो सकता है बट फिर भी खड़ा नहीं होता, क्योंकि वो नेशनल एंथम मानता नहीं है। पता नहीं वो किस देश का नेशनल एंथम मानता है। तो अगर तुम इंडिया का नेशनल एंथम नहीं मानते हो, तो अगर किसी दूसरे देश का मानते हो तो वहां चले जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो। ऐसा लोग मैंने देखा, इसीलिए मैं, आप भी शायद देखे होंगे, को बहुत बहुत सारा स्टेट है नेशनल फ्लैग को नहीं मानता, तो फिर कौन सा फ्लैग को मानोगे भाई, एक कंट्री एक फ्लैग तो होना चाहिए ना। जैसे कश्मीर में एक इशू था, वो इशू भी खत्म हुआ 370 में। हाँ, देश हमारा, हाँ कश्मीर बोलते हैं मेरा अपना अलग फ्लैग, चलो स्पेशल स्टेटस, आतंकवादी हमला के लिए उनको थोड़ा सा स्पेशल स्टेटस मिलता था, बट उसको खत्म करना जरूरी था, इसलिए इस बार 1947 मतलब इस बार का जो फ्लैग होस्टिंग हुआ था सर, इस बार का जो 15 अगस्त था, पता है ना सर, इस बार कश्मीर में इंडियन फ्लैग उठा है पूरा, कश्मीर का जो लोकल फ्लैग है उसका कोई जगह नहीं रहा इस बार, जानते हो कि नहीं जानते। इस बार का स्पेशल मुद्दा था, ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू था, बट इतना भी कोई सेंसिटिव नहीं है, जो हमारा है उसमें हमारा झंडा उड़ेगा, इसमें और क्या है। और कश्मीर आज नहीं सर, आप लोगों को अगर हिस्ट्री नहीं पता तो हिस्ट्री पढ़ाई करो सर, अगर 5000 साल पुराना हिस्ट्री भी देख लोगे तो कश्मीर इज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया, इवन जो आज का पाकिस्तान है वो हमेशा से इंडिया था, वो तो लड़ाई झगड़ा करके लिया है, वो अलग बात। तो चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल और फ्रीडम, मतलब आप ऐसी चीज़ों को चेरिश करना चाहिए, ऐसी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, नोबल आइडियाज आए जिसमें, ठीक है, विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, टू अफोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये आप हम सभी का फंडामेंटल ड्यूटी है सर, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जरूरत पड़ने से आपको कंट्री के लिए लड़ना भी पड़ेगा सर, नेशनल सर्विस। ऐसे आप सभी कोई नेशनल सर्विस में हो, जानते हो ये CA CA CMA वाले सभी कोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट 1949 एक्ट, CA CMA 1959 एक्ट, CS वाले 1980s वाले एक्ट, ठीक है, आप सब नेशनल ड्यूटी तो करोगे, देश का बिजनेस को बढ़ाओगे। कोई बहुत लोग बोलते हैं कि मैं देश के लिए जान दे दूंगा, अरे भाई जान सबको नहीं देना है, कोई किसी को देश को मैनेज भी करना है, तो कुछ लोग अंदर में रह के देश को मैनेज करेगा, तो कुछ लोग बॉर्डर में जाने देंगे, सबका अपना अपना ड्यूटीज है, सब अपना ड्यूटी पालन करे। हाँ सर क्या बोलते हो, लेकिन सर जैसे ही पैसा सामने आ जाता है ना, सब अपना ड्यूटी भूल जाते हैं और करप्शन कर लेते हैं, है ना, सब फंडामेंटल राइट वगैरह सब भूल गया, अरे नहीं पैसा किसको नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा दे दो, कड़रों के लिए बिक जाते हैं सर। टू प्रमोट हारमोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, language को लेके recently क्या problem हुआ जानते हो ना, अरे
अरे पता है कि नहीं लैंग्वेज को लेके क्या हुआ? रिसेंट इशू है, 3 दिन पुराना, किसी को नहीं पता। सर आप लोग कनेक्टेड हो या नहीं? आवाज किसी का नहीं आ रहा है? यस सर। कि कुछ दिन पहले लिंग्विस्टिक इशू हुआ, कुछ पता है आप लोगों को? ये जो अपना साउथ इंडिया है ना, ये साउथ इंडियन वाले थोड़ा गुस्सा हो गया। हाँ गुस्सा होना भी चाहिए। तमिलनाडु में जोमेटो का कुछ इशू है। जोमेटो का एक लड़का कस्टमर केयर में कुछ कॉल हुआ था, उनका कुछ रिफंड का इशू था, तो वो फ़ोन किया था तो हिंदी में बात कर रहा था, तो अगला जो है उनको तमिल आता है, हिंदी नहीं आता। तो जोमेटो का जो लड़का है इसने बोला कि अगर आपको हिंदी नहीं आता, आपको पता नहीं है कि हिंदी देश का नेशनल लैंग्वेज है और आपको हिंदी आना चाहिए, तो तमिल भड़क गया, क्योंकि तमिल का मानना है कि हिंदी मतलब एक्चुअली सच में आपको बताऊं जो ट्रू मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इतना सारा चीज़ बोले, आपको कहीं पर भी दिखा देश का कोई नेशनल लैंग्वेज है क्या? नो सर, हमारे देश का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ये गलत बात है कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, ये एक्चुअली इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदी में बात करता है, ठीक है? इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदी में बात करता है, ठीक है? जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है? ये कुछ बड़ा एरिया है, ये एरिया हिंदी में बात करता है। गुजराती अलग भाषा है, मराठी अलग भाषा है, बंगाली अलग भाषा है, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट का अपना भाषा है, सबका अलग अलग। साउथ में तमिल अलग है, कन्नड़ अलग है, तेलुगु अलग है। तो सर दिल्ली हिंदी कथा, दिल्ली तो हिंदी ही कथा। हाँ दिल्ली तो, अरे वो यूपी बोला मतलब समझ ले, एक्चुअली एक्सटेंडेड यूपी पार्ट है वो, है ना? लेकिन सर हमारे देश का कोई नेशनल लैंग्वेज है नहीं। नेशनल लैंग्वेज को लेके बड़ा इशू बना है, तो एक्चुअली साउथ वाले हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं मानना चाहता। इसके पीछे उनका एक कुछ पुराना कहानी है, हिस्ट्री है। एक्चुअली संस्कृत और तमिल ये दोनों बहुत पुराना क्लासिकल लैंग्वेज है। एक्चुअली संस्कृत और तमिल में काफ़ी मतलब मिलता जुलता है, तमिल भी बहुत पुराना है। तो एक्चुअली आंध्रा वाले को इतना प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम करता है तमिल वाले। ये तमिलनाडु का मानना है एक्चुअली दे आर बहुत, उनका एक अपना संस्कृति है, एक अपना पुराना इंडियन कल्चर है तमिल का। तो इनका मानना है कि भाई हम हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं कर सकते, करना है तो तमिल को करो। तो थोड़ा ज़बरदस्ती है उनका भी, तो ऐसे होगा पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज मैक्सिमम लोग तमिल में बात नहीं करते, ये उन्हें भी पता है, लेकिन वो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज करेगा नहीं। और इसलिए वो साउथ इंडिया में स्पेशली आंध्रा, कन्नड़, केरल, इनके बीच में एक टाई अप चलता है कि भाई हिंदी को, इसलिए आप देखना कभी तमिलनाडु विजिट करोगे दे डोंट स्पीक इन हिंदी, ठीक है? वो इंग्लिश में बात करेगा, ठीक है? वो इंग्लिश में बात करेगा और आपके साथ उनके लोकल लैंग्वेज में बात करेगा। एक चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगता है, ठीक है नेशनल लैंग्वेज मत बनाओ, बट हमारे देश में एक चीज़ बहुत ख़राब है, इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है। आज हमारा देश का लैंग्वेज इसलिए हो गया इंग्लिश बिकॉज इंग्लैंड हमारे देश में 200 साल राज किया, लेकिन हम अपने ही देश में एक दूसरे के भाषा को रेस्पेक्ट नहीं करते। बट एक फॉरेन लोग, कुछ लोग आके हमको लूटा, फिर लूट के चला गया, फिर उनके लैंग्वेज को इतना रेस्पेक्ट देते, कभी तो सोचा है आप लोगों? हिंदी इज द लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री, बट दे डोंट वांट टू गिव रेस्पेक्ट। ऐसे हम लोग ये नहीं बोल रहे कि हम तमिल को रेस्पेक्ट नहीं देते, हम लोग भी कोशिश करते हैं तमिल को रेस्पेक्ट देने का, मतलब ये मेरा मानना है, पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, बट फिर भी हमारे देश में एक प्रॉब्लम है कि भाई हम एक दूसरे का लैंग्वेज को रेस्पेक्ट नहीं करते, बट इंग्लिश को सर आंखों में रखते एकदम भगवान की जगह जैसे जगह देते हैं। किसी को अगर इंग्लिश बोलना नहीं आता तो ऐसे उनको छोटा कर देते हैं, भाई इंग्लिश नहीं आता। जो भी हो, ये एक इशू है तमिलनाडु के साथ, और जोमेटो का वो लड़का जो है वो बेसिकली लैंग्वेज के आधार पे क्रिटिसाइज किया, बाद में माफ़ी मांगना पड़ा जोमेटो को, माफ़ी मांगना पड़ा। रिसेंट इशू है, खबर लगाओ, गूगल करो, पता चलेगा। जानते हो कि नहीं? गूगल करो, रिसेंट खबर है, जोमेटो तमिलनाडु तमिल लैंग्वेज इशू ऐसा करके। वैसे इंडिया का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है सर। तो बेसिक बात है सर कि फंडामेंटल ड्यूटीज है आपका कि आप रेस्पेक्ट करो रिलीजियस आधार पे, लिंग्विस्टिक आधार पे,
रीजनल आधार पे एंड सेक्शनल डाइवर्सिटीज जो भी है उसमें भी टू रिनाउंस प्रैक्टिस डिरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन. हाँ सर, औरत का सम्मान जिस देश में जितना है वो देश दुनिया में उतना बड़ा हुआ है, इसमें तो कोई सेकेंड ओपिनियन नहीं आएगा. जिस स्टेट में, जिस देश में औरत को सबसे ज्यादा सम्मान मिला है उस देश का तो क्या बताऊं सर, उस देश का डेवलपमेंट कोई नहीं रोकता. यूरोपियन का इसलिए थोड़ा डेवलपमेंट जो हुआ है ना, ये औरत को बेसिकली यूरोप में भी पहले वुमेन्स को बहुत नीचे किया जाता था, बट बाद में यूरोप धीरे धीरे मैटर को समझा और औरत को बहुत ज्यादा मतलब रेस्पेक्ट दिया. इंडिया में भी बहुत रेस्पेक्ट हुआ करता था, तभी तो हम लोग देवियों का इतना पूजा करते हैं. हाँ सर, हम लोग देखना कितना देवता का पूजा कितना करते हैं और देवी का कितना पूजा करते हैं ज्यादातर. अब देखना देवता के साथ साथ मतलब मेंस के साथ साथ वुमेन्स का पूजा ज्यादा होता है, मतलब जहां भी जाओ देवी का मंदिर ज्यादा दिखता है ना. आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है? यस सर. हाँ सर. तो इसका मतलब क्या है कि क्यों देवियों का पूजा किया जाता है इंडिया में इतना? ये तो वुमेन को रेस्पेक्ट देने का ना. बट एक चीज गलती क्या हो गया एक्चुअली, ये जो बीच में अलग अलग कल्चर हमारे देश में आ गया ना, हम लोग अपना कल्चर भूल गए. इसको बोलते हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस बोलते हैं इसको. हम लोग देवी दुर्गा माता का पूजा करते हैं और घर में अपनी बीबी को मारते हैं, ऐसे भी लोग देखेंगे ना आप लोग. दुर्गा माता घर में बीबी को मार रहे, मतलब टॉर्चर कर रहे, लेकिन इधर दुर्गा पूजा में अंजलि दे रहा है, मतलब वो पागल ही होगा ना. उसका थॉट प्रोसेस में पूरा एक्चुअली क्या है ना, पूरा एजुकेशनल सिस्टम गड़बड़ हो गया. पढ़ाई किया है कन्वेंट में, मैं कन्वेंट एजुकेशन को खराब नहीं बोल रहा हूँ, और कल्चर अंदर में इंडियन वाला है, मिक्सडअप करके खिचड़ी पक गया. सब भूल गया कि हम क्यों भगवान में पूजा करते हैं, क्यों देवी माता का पूजा करते हैं. ठीक है, दुर्गा माता, काली माता, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, चंडी माता, मतलब माता का अभाव नहीं है हमारे देश में. माता, कन्याएं, मनसा देवी, ये देवी, वो देवी, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी पूरा जिधर जाओ देवी मंदिर आपको हर जगह में दिखेगा. बट फिर भी हम लोग वो वाला रेस्पेक्ट नहीं ला पा रहे देवी मतलब लड़कियों के लिए, बिकॉज ये कुछ डिफेक्ट हो गया है सर. मतलब बेसिकली ये प्रोग्रामिंग डिफेक्ट हो गया. इसका मतलब एक चीज तो प्रूव होता है, इतना देवी मंदिर का प्रूव ये दिखाते हैं कि इंडियंस लड़कियों को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता है, इवन यूरोपियन से भी ज्यादा. यूरोपियंस क्या रेस्पेक्ट करता है, वो बस रानी बनाते हैं लेकिन रानी से कुछ काम नहीं कराते, है ना सर. इंग्लैंड में रानी का कल्चर, लेकिन रानी का कोई ऐसा कुछ नहीं होता, एक कल्चर है, रानी बनाते हैं, हाँ रेस्पेक्ट देते हैं. बट हम तो और भी रेस्पेक्ट देते हैं, पूजा करते हैं, हम वर्शिप करते हैं, हम लोग लड़कियों को, औरत को पूजा करते हैं. बट सर वो जो पूजा करते हैं ना, पूजा का मतलब भूल गए, मतलब तो इसको बोलते हैं इलिटरेसी का या फिर ना समझी का हद, मतलब ना समझ होता है ना लोग, इसको बोलते हैं हद पार करना, कि आपके अंदर नॉलेज ही नहीं है, खत्म हो गया, अपना कल्चर खत्म हो गया, कभी सोचा ही नहीं किसी ने. अशिक्षा चरम पर्याय. एग्जैक्टली, अशिक्षा चरम पर्याय. नहीं तो कभी सोचो इतना देवियों का पूजा क्यों करते हैं, मतलब ये आज का बात नहीं है, इट्स 5,000, 6,000, 7,000 ईयर्स एगो. आप किसी भी जगह में जाओ मंदिर कितना पुराना पुराना है आप सोच भी नहीं सकते. मतलब औरत को हम लोग हमेशा मतलब सर के ऊपर रखते हैं, स्पेशली मेंस, सबको पता है, लेकिन भूल गए, रीजन ही भूल गए. इतना इंग्लिश कल्चर मतलब इंक्लूड कर लिया कि भूल ही गए अपना चीज क्या. दुख की बात है, बट कॉन्स्टिट्यूशन याद दिला रहे हैं आपको. कॉन्स्टिट्यूशन आपको फंडामेंटल ड्यूटी में याद दिला रहे हैं कि डिग्निटी ऑफ वुमेन में ध्यान दो, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कॉम्पोजिट कल्चर. हाँ, मिक्स्ड हुआ है कल्चर, बट ये कॉम्पोजिट कल्चर को अलग अलग स्टेट्स है, अलग अलग उनका कल्चर है. ठीक है, डिफरेंट एरिया में डिफरेंट कल्चर है. ठीक है, जैसे मानो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं आपको सर. आप लोग हमारे बंगाल में एक पूजा होता है कार्तिक पूजा, जानते हो आप लोग, ये कार्तिक भगवान का एक पूजा होता है, और स्पेशली तब पूजा होता है जब किसी का घर के बगल में शादी होता है ना, तो उसके घर के सामने जाके रख देता है कार्तिक, है ना, जानते हो रात्रि वाला ये सब. हाँ, उसका मतलब ऐसा होता है कि जोर करे खावाते हैं, एरकम एकटा ब्यापार आछे. नहीं नहीं, एक्चुअली वो कार्तिक दुर्गा माता का बेटा मानते हैं ना बंगालीज का क्या सोच है. हाँ, मतलब बंगाली फील करता है कि कार्तिक गणेश ऐसे दुर्गा माता का बेटा ही है, बट लक्ष्मी और सरस्वती को लेके थोड़ा सा
डबल ओपिनियन है. कुछ लोग बोलते हैं कि दे आर ऑल्सो, मतलब जैसे नॉर्थ इंडियन बोलते हैं कि सरस्वती और लक्ष्मी दुर्गा माता का एक दूसरा रूप है, और हम लोग बंगाल में मानते हैं कि सरस्वती और लक्ष्मी दुर्गा माता की बेटी है. ये थोड़ा सा कंफ्लिक्ट है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है. ठीक है, वो बोलते हैं कि सरस्वती लक्ष्मी इज अ दुर्गा, ठीक है, और हम बोलते हैं कि सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा माता की बेटी है, एक ही बात है. ठीक है, बेटी होना और माँ होना एक ही बात है. लेकिन गणेश और कार्तिक जो है ये दोनों ही आपका दुर्गा माता का बेटा है. अब कार्तिक जैसा बेटा सबको चाहिए, ऐसा एक मानना है कि भाई कार्तिक जैसा बेटा, तो इसलिए क्या करते हैं, बिकॉज गणेश जी अलग, उसका कहानी अलग है. गणेश जी का जो धरती में आना ना दुर्गा माता और मतलब पार्वती और शिव के पास जो गणेश जी आया है उसका कहानी अलग है. तो कार्तिक एक्चुअली नेचुरली आया था, मतलब जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है. तो इसीलिए कार्तिक हम लोग लगा देते हैं, और आपको भी बोलते हैं कि भाई शिव दुर्गा हो गए आप लोग, अभी आप कार्तिक जी लाओ और बच्चा लाओ एक्चुअली. ठीक है, और फिर खिलाना, इसलिए खिलाना पड़ता है, पार्टी देना पड़ता है. साउथर्न इंडिया में कार्तिक जी का पूजा होता है, बहुत फेमस है साउथ इंडिया में. क्या नाम है जानते हो? साउथ इंडिया में कार्तिक को बहुत मानते हैं, बट क्या नाम से जानते जानते हो? मुरुगान बोलते हैं, मुरुगान. बहुत नाम भी होते हैं साउथ इंडियन का, मुरुगान. समझ रहे हो सर? ये है मुरुगान. ठीक है, ये कार्तिक ही है जिनको हम लोग यहाँ पर कार्तिक भगवान का पूजा करते हैं, वो हमारे पर मुरुगान गॉड के नाम से जाना जाता है. तो सब अलग अलग नाम से जानते हैं. इट्स अ डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स कल्चर. जैसे ज्योति है कि नहीं पता नहीं, जैसे मणिपुर में शिव जी के बारे में ज्योति एक बार मेरे को बोला था कि मणिपुर में शिव जी को क्या बोलते हैं जब शिवरात्रि वगैरह होता है. ज्योति है क्या? दिख नहीं रहा है मुझे. ज्योति होता तो मैं शायद ज्योति से पूछ लेता अभी. मणिपुर में वहां पर बोलते हैं चिंकी चढ़ावा. ठीक है, शिवरात्रि में जो पानी डालते हैं, और हमारे यहाँ पर हम लोग बोलते हैं शिवरात्रि. तो अलग अलग कल्चर में एक देश बांधा हुआ है. तो जो भी हो सर, एक तो जीनी सर बोल मतलब जैसे सर तीन सके जी जो इंग्लिश सर इंग्लिश टाइप का खूब बेसी माने प्रायोरिटी देवा है हमारे देश जा की चोर ने शॉपिंग कर के इंग्लिश जानता है सेकंड है पर एक वो सर हिंदी टाइप का कुछ कि इंग्लिश सर एक तीन सी ये जैसे बांग्ला देश सर बांग्ला टाइप इन तक हम उन तो पूछ ली तो नहीं কারণ আমি এটা এই যে হিন্দিতে হিন্দুস্তানিতে আমাদের হিন্দিটা জানতে হচ্ছে, যদি কারো হিন্দি কারোর সাথে কথা বলতে হয়, মারোয়ারি কি মুসলিম যাদের সাথে কথা বলতে হয়, তারা স্যার যে বাংলাটা জানো তাদের মধ্যে সেই ইচ্ছাটা নেই কিন্তু. নেই, বাংলা তো জানতে হবে, বেঙ্গলি তো জানা পড়েগা. দেখ ইয়ে থোড়া সা দেখ ডাইভার্স হ্যায় আপকো সমঝনা পড়েগা. জেসে সাউথ ইন্ডিয়া কা আগর মে বাত করু, নাকি স্যার অ্যামাজনে লোক নিচ্ছিল আমি শুনছিলাম. হ্যাঁ, বলছে যে অ্যামাজনে কি মানে কিছু একটা কনফারেন্সের জন্য নিচ্ছে, যে কিছু কারো যদি কিছু প্রবলেম তাহলে সেটা কথা বলতে হবে. लेकिन मुझे इसलिए हिंदी में बात करना पड़ रहा है क्योंकि हिंदी के साथ कनेक्शन मैक्सिमम का है, तो सबको हिंदी समझ सकता है. तो देख भाई, किसी ना किसी एक को तो थोड़ा सा कॉमन लैंग्वेज में आना पड़ता है. जैसे इंग्लिश को क्यों इतना डेवलपमेंट मिला, बिकॉज ये ब्रिटिश इतना ज्यादा कॉलोनी एस्टेब्लिश किया था, तो हर देश में एक इंग्लिश का कनेक्शन जुड़ गया था. तो इसीलिए आज के ट्रेंड में इंग्लिश को इतना ज्यादा मतलब प्रायोरिटी दिया जाता है. सिमिलरली इंडिया में हिंदी का प्रायोरिटी थोड़ा ज्यादा इसलिए है बिकॉज हर कोई हिंदी के साथ कनेक्टेड हो जाता है, ड्यू टू मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल हिंदी में बात कर लेता है. ठीक है, और बंगाल बंगाली भाषा का क्या प्रॉब्लम है कि बंगाली थोड़ा सा बांग्ला और त्रिपुरा रीजन में ही रह गया और बांग्लादेश अलग देश में आ गया. ठीक है, तो इसके पीछे और कोई रीजन नहीं है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप तुम बंगाली सीखना भूल जाओगे. जैसे मैं क्लास में हिंदी में बात करता हूँ बट घर में तो बंगाली में बात करता हूँ, तो इसमें अच्छा ही है ना. इवन मेरा तो ऐसा इच्छा है कि मतलब मेरा पर्सनल इच्छा है कि मैं भारत का हर स्टेट का लैंग्वेज जानूँ, ताकि जिस स्टेट में मैं जाऊँ उस स्टेट के साथ मैं कनेक्ट हो जाऊँ. जैसे मैं उड़िया समझ लेता हूँ पूरा. इवन अगर मैं 10 दिन 12 दिन रह जाऊँगा ना उनके साथ, तो मैं उड़िया धीरे धीरे बोलने भी लग जाता हूँ. जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं असमी समझ जाऊंगा अगर कोई थोड़ा धीरे बोलता है तो. ठीक है, बाकी देखो आप समझ रहे हो ना. अब साउथ इंडिया का थोड़ा सा प्रॉब्लम है. मैं देखता हूँ, कोशिश करूंगा कभी अगर इच्छा है मेरे को कि हो सके तो मैं तमिल तेलुगु भी थोड़ा सा सीख जाऊँ. ठीक है, ये मेरा पर्सनल इच्छा है बिकॉज लोकल कनेक्ट होना बहुत जरूरी है. लोकल लोगों के साथ कनेक्ट करना एक बहुत पावर देता है सर.
आपको अपनापन फीलिंग होगा, सीरियसली आपको अपनापन फीलिंग होगा। तो अपने देश का जितना भी डाइवर्स लैंग्वेज है हो सके तो जानो। जैसे उर्दू तो हम लोग यूज करते ही हैं, हम लोग हिंदी बोलते हैं आजकल, 50% से ज्यादा बातें हिंदी के अंदर उर्दू यूज किया जाता है, बहुत सारा। मतलब आपको मैं क्या बताऊँ, ओरिजिनल शुद्ध हिंदी तो बात करता ही नहीं कोई, मैक्सिमम हम लोग जो भी हिंदी बात करते हैं शुद्ध हिंदी में बात करते ही नहीं। शुद्ध हिंदी में आप देखना, कभी शुद्ध हिंदी सुनना, आपको बंगाली के साथ उड़िया के साथ बहुत मैचिंग आएगा, बट हम लोग जो हिंदी बोलते हैं एक्चुअली उर्दू हिंदी मिक्स्ड अप। और ये जो उर्दू लैंग्वेज है वो इंडिया का लैंग्वेज है, ये एक्चुअली ईरान और अरबी लैंग्वेज को मिला के बना गया और हिंदी के साथ मैच होके। इसे देखना पाकिस्तान में लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में बात करते हैं, एक्चुअली उर्दू हिंदी मिक्स्ड है, पाकिस्तान भी उसी लैंग्वेज में बात करता है। कल देखा ना वो बाबर आजम उन लोगों को इंटरव्यू कर रहा था, हाँ वो लोग तो हिंदी में ही बात कर रहा था, हिंदी उर्दू मिक्स करके, है ना। ये लैंग्वेज का एक अलग ही खेल है बाबू, अब तेरे को क्या बोलूं मैं। जैसे ये इसके ऊपर ये बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता था, उसमें एक बंगाली में एक था बंगाला भाषा बोल के एक बेसिकली एक प्रोज था, ठीक है। तो उसमें एक्चुअली सॉन्ग भी विवेकानंद का था, तो ये विवेकानंद भी उस मैटर में एक बार बोल रहा था कि जैसे तुम बंगाल में बात करो ना, जैसे अगर तुम कभी तुम लोग कोलकाता में रहते हो, कोई हुगली में रहते हो, कोई हावड़ा में रहते हो, हम लोग जो बंगाली यूज़ करते हैं, जो बंगाली लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इसके अंदर भी कितना बाइफर्केशन। कभी तुम मिदनापुर जाओ वहाँ का बंगाली अलग, तुम मुर्शिदाबाद जाओ वहाँ का बंगाली अलग, तुम नदिया जाओ वो थोड़ा सा कोलकाता के साथ मैच कर जाएगा, ठीक है। तुम ईस्ट मिदनापुर जाओ उड़िया के साथ बंगाली मिक्स कर पाओगे, दीघा वगैरह का लोग देखना उड़िया बंगाली मिक्स का बात करता है, और तुम झाड़ग्राम एरिया में जाओ वो झारखंड और बंगाली मिक्स करके बात करता है, लेकिन दैट इज ऑल्सो बंगाली। पुरुलिया में झारखंडी एंड बंगाली का मिक्सअप मेरे को पता है, बिकॉज दैट इज माई लोकल लैंग्वेज इन माई नेटिव। हाँ हाँ, अबे की खाइचू कुथा जाचू, हाँ मारी दुबो, इट्स काइंड ऑफ मतलब डिफरेंट बंगाली। हाँ एक्चुअली दिस इज माई नेटिव का बंगाली ऐसा है मेरा, लेकिन क्या कोलकाता में नोदिया में वर्धमान में हम लोग ऐसे बंगाली बोलते हैं? नहीं। तो जब पूरा बंगाल था तो विवेकानंद बोल रहा था, जगह किसी ने विवेकानंद को पूछा था कि भाई इतना बड़ा स्टेट है इसका बांग्ला भाषा क्या रहेगा, बोलते हैं कि कोलकाता से चट्टोग्राम, ये चट्टोग्राम देख रहे हो ना सर, जो आज बंगाल बांग्लादेश का बहुत फेमस सिटी है, बिजनेस सिटी चट्टोग्राम। तो बोलते हैं कोलकाता से चट्टोग्राम जो लैंग्वेज में जितना पॉपुलैरिटी मिलेगा, जैसे बांग्लादेश का जो बांग्ला है तो प्योर बंगाली, थोड़ा हिंदी उर्दू मिक्सअप है, ठीक है, वो लोग थोड़ा सा उर्दू को मिक्सअप कर दिया आजकल, ठीक है, बट एक्चुअली ये बंगाली लैंग्वेज के बांग्लादेश का लैंग्वेज क्या है, बंगाली, इट्स फ्रॉम संस्कृत, है ना। बंगाली लैंग्वेज कहाँ से आया है, संस्कृत से आया, ज्वाल के पानी बोले, हाँ एक्चुअली केम फ्रॉम उर्दू, उर्दू से बोलता है, लेकिन बाकी भाषा देखना तो घोर के सर भाषा है तो बोले, हाँ भाषा बोले, भाषाटा बोले अनेक, एटा एक्चुअली इट्स डिफरेंट, उर्दू को मिक्स कर दिया, बाकी देखना सब कुछ प्योर नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम जैसे बोलते हो थोड़ी ना कि वही सही है, वही तो बात है कि जब पूरा बांग्ला भाषा को लेके प्रॉब्लम हो रहा था तो भाई कौन सा बांग्ला भाषा सर, बांग्लादेशर सर बांग्लादेशर যেরকম মানে কথা টোনটা আমার মামাবাড়ির ওদিকেও সেম স্যার এরকম ওই উত্তর দিনাজপুর বালুরঘাট রায়গঞ্জ एक्चुअली वो बांग्लादेश बॉर्डर के कारण, बांग्लादेश बॉर्डर के कारण सर, एनजेपी तो मालबाजार टलबाजार सब, हां 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 ऐसा ही बोलता है, यस। तो पॉइंट टू बी नोटेड सर, এরকম টাইপের एग्जैक्टली। तो ये इन लोग जिस तरह से बात करता है, और हमारा जो बंगाल का कोलकाता का बांग्ला है इसमें लेके जब अनडिवाइडेड बंगाल था तब बात करते थे भी कौन सा बांग्ला भाषा होगा इतना बड़ा बंगाल में तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, लेकिन अल्टीमेटली होता वही है जो मैक्सिमम लोग चूज करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड संपद कि बांग्ला भाषा कौन सा पॉपुलर होवे, ये डिपेंड करता है कि मैक्सिमम कौन सा भाषा में बात करना पसंद करता है। ये तुम ऐसे बोल सकते कि इट्स अ रैंडम प्रोसेस, जैसे हिंदी मैक्सिमम लोग बात करना पसंद कर लेता है, और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है बॉलीवुड, ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है बॉलीवुड, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज लोग ज्यादा, हाँ ठीक है, नहीं शाहरुख नहीं वो नहीं, बॉलीवुड में जो लैंग्वेज यूज करते दैट इज हिंदी, और उसके कारण हिंदी लैंग्वेज इतना पॉपुलर और भी हुआ है, दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन। बाकी तुम बिहार में जाओ ना, वो लोग अपना लैंग्वेज यूज करता है, भोजपुरी है उनका, मैथिली है। अब मैं ये लैंग्वेज क्लास नहीं करना चाहता, कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास है सर, तेरे को समझ में आ रहा है?
मैथिली लैंग्वेज का जो स्क्रिप्चर्स है वो बंगाली है, दैट इज ऑल्सो इन बिहार का सबसे पॉपुलर लैंग्वेज में से एक है मैथिली। मैथिली मीन सीता मैया का जगह है मिथिला, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं मिथिला, एंड ऑल्सो इन नेपाल, मिथिला इज अ पार्ट ऑफ नेपाल एंड पार्ट ऑफ इंडिया, एंड वो उसका एक अलग लैंग्वेज है। अरे दिमाग खराब मत करो मेरा, मैं पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी पता करके ना तुम लोगों को दिमाग खराब कर दूंगा, छोड़ दो कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाओ। हे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। आई अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्चुअली। मतलब जब ये सब बातें होता है ना, मतलब दिमाग यहाँ से उधर यहाँ से उधर पागल की तरह भागता है। अच्छा देखो, आपका साइंटिफिक ड्यूटी टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्ज्योर वायलेंस, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी नष्ट ना करे उसको बचाए, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ठीक है, खुद भी आगे बढ़ो दूसरों को भी आगे बढ़ने में हेल्प करो, सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस। उसे बोलते हैं ना आमिर खान थ्री इडियट्स में, अरे आमिर खान का एक डायलॉग है उसमें फुंगसुक वांगडू का, एक्चुअली आमिर खान जो रोल किया था वो फुंगसुक वांगडू है, जो लद्दाख की एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है, ठीक है, तो फुंगसुक वांगडू का जो कैरेक्टर आमिर खान वहाँ पर प्ले किया था, तो उसमें वो बताते कि भाई एक्सेलेंस के पीछे भागो, ठीक है, कामयाबी के पीछे नहीं। क्या होता है फिर, कामयाबी झक मार के पीछे आ जाएगी। क्या रे, ये डायलॉग तो सुने होंगे आप लोग, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस, कॉन्स्टिट्यूशन बता रहे आपको, इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट्स, ठीक है, खुद भी बढ़ो और दूसरों को भी बढ़ाओ, नॉट लाइक टिपिकल बंगाली कि खुद बढ़ो और बाकी दूसरे को खींच के नीचे उतार दो। हाँ सर, एक कल्चर बन गया ना, नीचे बाढ़ो किंतु उनों के टेने नामिए दो, दूसरे का अच्छा हो तो अच्छा नहीं लगता, सिर्फ अपना अच्छा हो तो अच्छा लगता है। सिटीजनशिप के बारे में क्या बोलता है, द स्टेट इज ए कंपाउंड मेड ऑफ सिटीजन, एरिस्टोटल का कहना है सर, सिटीजन के बारे में एरिस्टोटल का जो कहना है कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया, द स्टेट इज ए कंपाउंड मेड ऑफ सिटीजन एंड दिस कंपेल्स अस टू कंसिडर हु शुड प्रॉपरली बी कॉल्ड अ सिटीजन एंड व्हाट इज सिटीजन रियली इज। हाँ सर, सिटीजन एक्ट एनआरसी सीए लेके कितना झमेला हो रहा है, अभी भी नहीं हुआ। The nature of citizenship like that of a state is a question which is often disputed. There is no general agreement on a single definition. The man who is a citizen in a democracy is often not one in an oligarchy. ठीक है, democracy में जो citizen है हो सकता है कि oligarchy में वो citizen ना भी हो सकता है। तो citizenship को लेके Aristotle ने एक बहुत ही dangerous बात कर दिया। तो national citizenship के बारे में an essential and enduring features of modern life in terms of politics, है ना सर, and election, welfare, state benefits, all round integration, etc. Article 5 से लेके 9 में constitution determined who India citizen at the commencement of the constitution are. Article 10 provides for their continuance as such citizens subject to the provisions of law that may be made by parliament. Article 11 entrusts the parliament with powers to regulate the right of citizenship. In other words, the constitution under Article 11 expressly left a acquisition and termination of citizenship and all other matters related there to parliament by a legislation. The legislation related to the matter is Citizenship Act 1955. Agar ho sake to zyada jankari chahiye, Citizenship Act 1955 read kar sakte. Citizenship at the commencement of the constitution. Kya bolta hai sir? Article 5 provides that the commencement of the constitution, every person who has his domicile in the territory of India, जो अपने ही देश के अंदर, इंडिया के टेरिटरी के अंदर, टेरिटरी ऑफ इंडिया आप लोग जानते हो, व्हाट इज द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत का जो एरिया है, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, हु वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, आइदर ऑफ दोज पेरेंट वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कोई भी एक भारत के टेरिटरी में जन्मा है, मतलब पेरेंट्स में से, मतलब कोई एक फॉरेनर हो सकता है बाहर में जन्मा है, बट अगर कोई एक भी इंडिया में बना है तो वो भी इंडियन हो सकता है, हु हैज बीन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया for not less than 5 years immediately preceding such commencement shall be citizen of India. मतलब जब ये constitution बन रहा था उसका कम से कम 5 साल इंडिया में उनको रहना जरूरी था तो उसको इंडियन बताया गया, citizenship at the commencement of the constitution. समझ में कुछ आ रहा है सर?
হ্যালো হ্যাঁ ঠিক আছে उसके बाद सर पार्लियामेंट के बारे में पार्लियामेंट के बारे में क्या बोलता है सर हमारे देश का जो पार्लियामेंट सिस्टम है ठीक है पार्लियामेंट सिस्टम क्या चलता है पार्लियामेंट में सर दो हाउस होता है एक होता है हाउस ऑफ पीपल दूसरे को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स ठीक है देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन व्हिच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस टू बी नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ द पीपल मतलब एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा ये तो आप लोग सुने ही होंगे है ना इसमें प्रेसिडेंट का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है ना बहुत लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट क्या करता है अरे भाई प्रेसिडेंट का बहुत रिस्पेक्ट है द प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा लोकसभा का जो हाउस है दोनों का मेंबर मिलके प्रेसिडेंट चुनते हैं एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स ठीक है पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऐसा एक काम करते हैं सर आज बहुत लंबा हो गया नेक्स्ट दिन हम लोग मैं ये पूरा पार्लियामेंट को डिटेल्स बताऊंगा तो ये जो ओवरऑल डिस्कशन है ना सर इसका ये आप लोगों के साथ मेरा कंप्लीट हो जाएगा सर एक पीडीएफ शेयर करो तो ये पीडीएफ शेयर क्या हुआ है ये तो तुम लोगों का एंट्रेंस का जो पीडीएफ वही से पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों के पास है देखो चेक कर लिया पता नहीं व्हाट्सएप में ही है हाँ उसी में उसी से पढ़ा रहा हूँ ठीक है तो ये पार्लियामेंट का जो पूरा एरिया है मैं नेक्स्ट दिन आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे देश में क्या क्या पावर सिस्टम चलता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मिलिट्री पावर लेजिस्लेटिव पावर जुडिशियल पावर सब बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में ठीक है तो उसमें जाके आप लोगों को मैं कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा ठीक है ये नेक्स्ट दिन का चर्चा रहेगा सर टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर कितना होना चाहिए ये जो एरिया अभी बात करूंगा ना इट्स अ वेरी वाइटल एरिया जिसको मैं फ्रेशली एक बार बताऊंगा तो आप लोगों के दिमाग में भी रह जाएगा गवर्नर के बारे में क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या बोला है ठीक है हाई कोर्ट के बारे में क्या बोला है ठीक है तो एक साथ ही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जस्टिस मैजिस्ट्रेट स्पेशल ट्रिब्यूनल्स ठीक है और फिर जाके ये जो बता रहा था ना आप लोगों को राइट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट इसमें ये हेबियस कॉर्पस क्वो वारंटो मैंडमस सॉरी मैंडमस सेटुरारी एंड प्रोहिबिशंस ये क्या है ये भी बताऊंगा ठीक है इसके बाद और कुछ नहीं बस यही है कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरऑल यही है ठीक है ठीक है अच्छा तो नेक्स्ट क्लास में बाकी चर्चा जारी रहेगा नोट्स अगर किसी के पास नहीं है मेरे को एक बार याद दिलाना मैं शेयर कर लूंगा ठीक है सर बोलो फिर इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के बाद लॉ ऑफ टॉट पढ़ाऊंगा हाँ बोल বলি মক টেস্ট কি কিছু পাঠাবে বাড়িতে করার জন্য আজকে পাঠাবো আজ মক টেস্ট পাঠাবো তাহলে বাড়িতে করে যখন পাঠাই আপনাকে এরকম পাঠিয়ে দেব হ্যাঁ 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 পাঠিয়ে দেব এটা তাহলে মক টেস্ট পরীক্ষার জন্য আর কিছু লাগবে না 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 আর কিছু লাগবে না মক টেস্ট দিলেই হবে আর কত নলেজ নিবি পাগল হয়ে যাবে মানে এর মধ্যে কি কমন হয়ে যাবে তো স্যার আরে কমনে বেশি হয়ে যাবে আরে ঠিক আছে যেগুলো দিয়েছিস মক টেস্ট ওগুলোকে আর একবার ভালো করে গো থ্রু কর আর যেগুলো এখন নতুন করে আর ওগুলোকে ভালো করে আমি তিনটে সেই একদম অ্যানসার সমেত তিনখানা পাঠিয়েছিলাম তিনটা মক টেস্ট দেখবি হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাও করছি আর কিছু নেই ঠিক আছে স্যার কোনো কোশ্চেন আছে তো করো ভাই স্যার টাটা ভাই স্যার ওকে টাটা স্যার রাখছি দাদা ओके थैंक यू सर टाटा टाटा सर বলছি নোটটা কি পাঠিয়ে দেবেন আচ্ছা পাঠিয়ে দেব তো তোদের এক্সিকিউটিভের বই তো পেয়ে যাবে বই থেকে পড়ব হ্যাঁ বই থেকে পড়তে হবে